स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हैलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई एस आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है एक ऐसा टॉपिक इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनमें हमेशा कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं विंध्या सतपुराज पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बहुत तरह की पहाड़ियां शिवालिक्स पीर पंजाल के पहाड़ कहाँ हैं नाग टिब्बा के पहाड़ कहाँ पे हैं मिशमी पहाड़ियाँ कहाँ हैं लुशाई हिल्स कहाँ पर हैं भारत एक ऐसा देश है जिसमें जो पर्वत हैं वो इतने ज़्यादा हैं जो पहाड़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं पहाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं इनफैक्ट हम आज का लेक्चर स्टार्ट ही इससे करेंगे कि पहाड़ और पहाड़ी यानी माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस होता है प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है पठार क्या होता है प्लेट्यू की हाइट कितनी होनी चाहिए छोटे छोटे कंसेप्ट जो -चो हमेशा से आपको सताते आए हैं हम इस वीडियो में उनके साथ डील करेंगे पहाड़ जो हैं उनसे रिलेटेड फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आपने एक बार भारत के पहाड़ अच्छे से पढ़ लिए तो बहुत सारी नदियां इन पहाड़ों से निकलती हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगी पहाड़ों पर किस तरह की कल्टिवेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरह के लोग उस एरियाज में रहते हैं कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जोग्राफिकल फीचर्स जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं भारत के जिनमें वो पहाड़ होते हैं कौन कौन से पासिस हैं उनमें तो ये सारे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और आपके लिए बोनस इस वीडियो में आप सिर्फ भारत के ही पहाड़ नहीं पढ़ेंगे आप पूरी दुनिया के भी पहाड़ पढ़ेंगे रॉकी माउंटेन्स कहां पर हैं अपलाचियन माउंटेन्स कहां पर हैं एटलस माउंटेन्स कहां पर हैं पेरू और इक्वाडोर जैसे कंट्रीज में कौन से पहाड़ हैं जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज और इस तरह के बहुत सारे ऐसे माउंटेन उरल माउंटेन अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ऐसे में उरल माउंटेन्स की महता बढ़ जाती है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो ये सारे के सारे माउंटेन्स हम डिटेल स्टडी करेंगे यानी इस वीडियो में मैं सिर्फ भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के माउंटेन्स आपको पढ़ाऊंगा माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड सिट बैक एंजॉय एक जैसे मूवी चलती है वैसे ये वीडियो आपको देखना है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा और इस तरह के और भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा समय समय पर नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना मुझे कोई ऐसा वीडियो है जो आपको समझने में कठिनाई होती है मुझे पिछले वीडियो के बाद जो कमेंट्स मिले थे उसमें प्रेशर बेल्ट्स ओशियन करंट्स वगैरह ये सब बच्चों ने कहा है तो ये भी मैं जरूर बनाऊंगा आज के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए डिटेल्ड में एकदम डिटेल स्टडी माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं हम यूपीएससी की सबसे विश्वसनीय लाइव क्लासेस की कंपनी बन गए हैं वन करोड़ लोग स्टडी आई प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं इस विश्वसनीयता के लिए हम आपके आभारी हैं और अब हम यूपीएससी के जो लाइव बैचेस हैं हर महीने दो बैच हम लॉन्च करते हैं हमारे लाइव बैच में आपको पूरा फिल्म और मेंस का सिलेबस कवर्ड मिलता है टीचर पढ़ाते हैं एक्सपर्ट्स क्लासेस लेते हैं मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं रोज दो से तीन घंटे की आपके डाउट्स क्लियरिंग अलग होता है आपको वन ऑन वन मेंटर भी मिलता है जिससे आप चौबीस घंटे बात कर सकते हैं जब चाहे आप उसे मैसेज कर सकते हैं वो आपका टाइम टेबल आपकी प्रिपरेशन आप सब चीज में आपकी हेल्प करता है आपको फिल्म टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इसमें अलग से पे नहीं करना आपको और आपको साथ में करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी मिलता है तो ये सब कुछ हमारा यूपीएससी जो लाइव कोर्स है उसमें आपको मिलता है ये बैच अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में डलवा दिया गया है आप उस पर क्लिक करके हमारे ऐप पर जाकर अगर आप मोबाइल पर देखना चाहें तो मोबाइल पर भी देख सकते हैं या फिर आप बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहें तो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भी देख सकते हैं आपको जब चेकआउट करें तो बस आप ये कोड डाल देना वहां पर जी जी लाइव पूरा कैपिटल में है बीच में कोई स्पेस नहीं है बस जी जी लाइव आपको डालना ला है और आपको हैवी डिस्काउंट हमारे कोर्स पर मिल जाएगा वैसे भी कोर्स बहुत रीजनेबली प्राइज्ड है जितना आप किसी भी शहर में रहने में सिर्फ एक महीने में खर्च करेंगे उतने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो ये है हमारा यूपीएससी लाइव हमारा फ्लैगशिप कोर्स और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ये जी जी वर्ल्ड so, हम सारे के सारे भारत के पहाड़ पढ़ेंगे एक 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 भी नहीं छोड़ेंगे काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा और कंसेप्चुअली भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ क्या होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उनको पढ़ेंगे उत्तर के पहाड़ उसके बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ हैं उनको पढ़ेंगे हम जो मध्य भारत के पहाड़ हैं जैसे जैसे कि अरावली की पहाड़ियां विंध्या की पहाड़ियां सतपुरा की पहाड़ियां उन पर नजर डालेंगे और फाइनली वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स इनको हम समझने की कोशिश करेंगे पहले हम ये समझते हैं कि पहाड़ होता क्या है क्योंकि कई सारे मिलते जुलते वर्ड हैं जैसे एक वर्ड होता है माउंटेन और एक वर्ड होता है हिल तो दोनों में क्या फर्क होता है और एक वर्ड होता है प्लेट्यू तो प्लेट्यू क्या होता है या पठार क्या होता है तो माउंटेन मतलब होता है पहाड़ हिल मतलब होता है पहाड़ी और प्लेट्यू मतलब होता है पठार इनमें फर्क एक तो हाइट का फर्क होता है सबसे पहला फर्क पहले हम माउंटेन और हिल में कंपेयर करते हैं जो माउंटेन होता है वो 900 मीटर से ज्यादा होता है और जो हिल होती है वो 300 मीटर से 900 मीटर तक होती है मैं रिपीट करता हूं ऊंचाई की बात करें तो एक जो पहाड़ होता है वो 900 मीटर से ज्यादा होता है और जो हिल होती है पहाड़ी होती है वो 300 मीटर से लेके 900 मीटर तक उसकी ऊंचाई होती है जो पठार होता है इसको हम शून्य से 600 मीटर तक बोलते हैं शून्य से 600 तो हिल और प्लेट्यू में क्या फ़र्क हो जाएगा फिर शेप का फर्क होता है और ऊंचाई का फर्क होता है हिल जो होती है जनरली उसकी ऊंचाई ज़्यादा है आप देख सकते हैं जो पहाड़ी होती है वो तीन से नौ मीटर होती है लेकिन जो पठार होता है वो ज़ीरो से छः मीटर होता है यह पहला फ़र्क है पहाड़ी पठार से बड़ी होती है पहाड़ी की जो शेप होती है वो ऐसी होती है यानी पहाड़ी जो है वो ऊपर से ऐसे गोल हो जाती है पहाड़ियाँ जनरली जो हैं वो हरी भरी होती हैं आप आ, ये ये शेप होती है इसकी और पहाड़ी जो है आ, उससे छोटा पठार होता है तो पठार जनरली ऐसा होता है ऐसे फिर ये ऊपर से बिल्कुल चपटा और फिर इस तरह से तो जो पठार है उसकी जो ढलान है वो इस तरह की होती है फिर ऊपर से एकदम चपटा होता है और फिर दूसरी ढलान होती है लोग ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं लोग ऑब्वियसली पठार पे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये चपटा है रहने के लिए ज़्यादा अनुकूल है पहाड़ियों पे भी बहुत लोग रहते हैं, हैं और पहाड़ों पे भी बहुत लोग रहते हैं अब पहाड़ में और पहाड़ी और इसमें क्या फर्क होता है तो ये तो हिल है जो मैंने आपको दिखाई है ये हिल है ये पठार है और पहाड़ ऐसा होता है पहाड़ ऐसा होता है यानी पहाड़ में आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो है वो ऊपर से नुकीला है और ढलान भी बहुत ज्यादा होती है पहाड़ के ऊपर पहाड़ की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है नौ मीटर से ज़्यादा होती है अब क्योंकि इतनी ऊंचाई है तो जनरली जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं ठीक है स्नो स्नो कैप्ड माउंटेन होते हैं जनरली और अब इसको स्नो बोलेंगे कि आइस बोलेंगे आ, हम क्या बोलेंगे पहाड़ पे अगर बर्फ जमी है तो स्नो का मतलब भी बर्फ होता है और आइस का मतलब भी बर्फ होता है हम बोलेंगे स्नो क्योंकि आइस कुछ नहीं होता जो आप फ्रीजर में घर में जमाते हो उसे आइस बोलते हैं राइट तो आइस वो होती है यानी कि जब हमारे वाटर वेपर हैं या जो पानी है वो जम जाते हैं तो उसे आइस कहते हैं लेकिन जो स्नो वो होती है जो आसमान से गिरती है उसे बोलते हैं स्नो तो हमेशा इसलिए स्नोफॉल बोलते हैं कभी भी आइस आइसफॉल आपने नहीं सुना होगा तो पहाड़ की सबसे पहली क्वालिटी क्या है ऊंचाई पहाड़ 900 मीटर से ज्यादा होता है नंबर वन दूसरा पहाड़ की कॉनिकल शेप होती है यानी कि ऊपर से नुकीली होती है इस तरह से पहाड़ होता है और स्टीप स्लोप यानी कि ढलान काफी ज्यादा होती है ढलान काफी ज्यादा होती है पहाड़ों पर पहाड़ों पर बहुत लोग रहते हैं यह भी आपको याद रखना है ऐसा माना जाता है कि दुनिया की बारह जनता जो है वो पहाड़ों पर रहती है हिल्स पे तो ऑब्वियसली बहुत लोग रहते ही हैं और प्लेटियोज़ पे भी बहुत लोग रहते हैं तो अगर मुझे पॉपुलेशन के हिसाब से वो करना हो तो सबसे ज़्यादा लोग इनमें रहते हैं प्लेटियो पे उसके बाद रहते हैं आ, हिल्स में और उसके बाद रहते हैं माउंटेन्स में तो माउंटेन्स में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है आ, और रिसोर्सेज वग़ैरह जो हैं उतने आसानी से आ, इसके आसपास दुकानें वगैरह नहीं होती वो नहीं होती लोग कम रहते हैं तो यहाँ पे जनजीवन उतना ज़्यादा नहीं रहता रिलेटिव टू हिल्स तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए ये जो आप सबसे पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ हैं ये एकदम प्रॉपर पहाड़ हैं और इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये हरी भरी और ये ये हिल्स हैं मैं आपको एक और क्लैरिटी कर देता हूं यहां पे देखिए आप यहां पे भी आप हिल्स देख सकते हैं हिल्स की ऊंचाई 300 से 900 मीटर हिल्स डोम शेप होती हैं डोम डोम आप समझते हैं गुम्बद जैसे जो ये शेप होती है इसे डोम बोलते हैं कई बार आपने मंदिरों के ऊपर भी डोम देखा होगा बना हुआ या जो बुद्धिस्ट जो पगोड़ा होते हैं या स्तूपा होते हैं उनमें भी डोम होता है तो जो हिल होती हैं ऊपर से जैसे पहाड़ ऊपर से पहना होता है ऐसा होता है लेकिन हिल ऊपर से डोम शेप होती हैं तो और प्लेट्यू एकदम चपटा होता है एकदम प्लेट्यू एकदम चपटा होता है तो ये हिल्स हैं यहाँ पे ये शे, शेवेरॉय हिल्स हैं तमिलनाडु की और नीचे जो है ये जावाड़ी हिल्स हैं तो ये हिल के एग्जाम्पल हैं और ये है प्लेट्यू यानी कि पठार तो पठार जो है आ, आप देख सकते हैं ऊपर से एकदम चपटा है पठार पे कोई खास वेजिटेशन नहीं है लेकिन पठार पे क्योंकि ऊंचाई कम रहती है पठार पे ऊंचाई जीरो से 600 मीटर तक रहती है तो काफी लोग पठार में रहते हैं प्लेट्यूज पे रहते हैं भारत में दो तरह के पठार मिलते हैं एक तो वॉल्कैनिक प्लेट्यू जैसे कि डैकन ट्रैप या काठियावाड़ का पठार या मालवा का पठार मध्य प्रदेश में काठियावाड़ जो है वो गुजरात में है और डेकन ट्रैप जो है वो महाराष्ट्र और ये जो एरिया है वहाँ पे है नीचे पेनिसुलर इंडिया में और बाकी दूसरे तरह के पठार होते हैं डाइसेक्टेड पठार होते हैं जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है या ये सब है तो हम उनको प्लेट्यू वाला जो अलग टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन एक ये जरूरी था कि मैं आपको बता दूं कि ये डिफरेंस क्या होता है यहां पे आप देख सकते हैं ये प्लेट्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डैकन ट्रैप है जो हमारा दक्षिण भारत है वहां पर तो प्लेट्यू देख सकते हैं आप एकदम चपटा है और इसकी ढलाने जो है वो किस तरह से हैं यहाँ पे एक ये डायग्राम है ये एनसीआरटी का डायग्राम है इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये तो पहाड़ हो गया और ये पठार हो गया ये जो है फ्लैट वाला जो एरिया है और यह समुद्र तल है सी लेवल हाँ एक बात है हम ये ऊंचाई कैसे नापते हैं क्योंकि रिलेटिविटी भी कोई चीज होती है मान लो कोई पर्सन हिल पर रहता है तो उसे जो पहाड़ है वो उतना ऊंचा नहीं लगेगा लेकिन जो जो मैदानों के में रहता है उसे पहाड़ बहुत ऊंचा लगेगा तो समुद्र तल से नापते हैं जो सी लेवल होता है तो सी लेवल से तो ये तीनों ही ऊंचे हैं चाहे वो एक पठार हो चाहे वो एक पहाड़ी हो या वो एक माउंटेन हो तो माउंटेन हिल या प्लेट्यू तीनों ही समुद्र तल से ऊंचे रहते हैं अब हम एक एक करके पहले देखते हैं कि पहाड़ कितने तरह के होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की देखो फोल्ड माउंटेन को समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा जो हमारी दुनिया है हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आप आज देखते हैं इनफैक्ट ये जो भारत है हमारा देश भारत या ऑस्ट्रेलिया ये पहले एक ही थे एक ही साथ थे ये। और इवन साउथ अफ्रीका हम सब एक ही थे ये हम जुड़े हुए थे ये 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 तो इसको इंडियन प्लेट बोलते थे जो पहले प्लेट्स होती थी बहुत सारी अब जैसे सबसे शुरू की अगर मैं बात करूं तो एक चीज होती थी जिसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड तो गोंडवाना लैंड कुछ नहीं है ये सब जुड़े हुए थे आपस में और दक्षिण अमेरिका भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था मैं इसको प्रूव कर, कर सकता हूं जैसे अगर आप ये वाला पार्ट देखें इसको दक्षिण अमरीका बोलते हैं तो दक्षिण अमरीका को अगर आप इस तरफ ले जाए तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा इसकी जो ये वाली चीज निकली हुई है ये यहाँ पे फिट हो जाएगी तो ये जुड़ा हुआ था ठीक है मैं रिपीट करता हूं दक्षिण अमेरिका को अगर आप ये अफ्रीका देखें ये अफ्रीका है अफ्रीका का ये पश्चिमी एरिया देखें तो यहां पे आप इसे फिट कर सकते हैं जैसे आप दो उनको फिट करते हैं लेगोज को फिट करते हैं ठीक है ना तो ये जुड़े हुए थे पहले और बाद में अलग हो गए अलग होने के बहुत सारे कारण हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेज और बहुत कुछ है उस पर हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारत यहां नहीं था पहले भारत यहां नीचे की तरफ था और भारत वाली जो प्लेट है जैसे इंडियन प्लेट बोलते हैं कई बार उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं तो वो यहां थी और यहां से फिर ये उत्तर की तरफ गई और ये जो रशिया है आप जानते हैं सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया का रशिया तो रशिया वाली जो प्लेट है उसे यूरेशियन प्लेट बोलते थे तो ये दो प्लेट जो है आपस में टकराई टकराने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं एकदम से वैसे नहीं होता ये हजारों लाखों साल प्रोसेस चलता है धीरे धीरे वो पास आती हैं अब फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं ये आपको समझना पड़ेगा तो उसके लिए आप यहां पर देखिए जैसे आप इमेजिन करिए कि ये एक जमीन का टुकड़ा है और ये वाला जो है ये दूसरे जमीन का टुकड़ा है अब ये वाला जमीन का टुकड़ा और ये वाला जो जमीन का टुकड़ा है हम यहां पे इनको प्लेट्स बोलते हैं अब इन प्लेट के कोई भी नाम हो सकते हैं अभी हम उन पे नहीं जाएंगे पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है तो ये जो प्लेट जब पास आती है तो बीच में जो चीज होगी उसके साथ क्या होगा बीच में जो चीज होगी उसके साथ क्या होगा बीच में जो चीज होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी वो ऊपर की तरफ जाएगी राइट और जब ये प्लेट बिल्कुल पास आ जाएंगी तो एक दूसरे के एक दूसरे से टकराएंगी एक दूसरे के खिलाफ रब करेंगी तो उस रब के बाद क्या होगा इनमें से एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी और एक ऊपर की तरफ आएगी तो उससे जो ये चीज पहले ऊपर की तरफ गई थी ये और ऊपर की तरफ जाएगी और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है आप इसको ऐसे इमेजिन करिए ये फोर्स कैसे लग रहा है मान लो एक धागा है एक धागा आपने एकदम सीधा रख दिया एक धागा है आपने उसको सीधा रख दिया और अब आप इस धागे पे इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं तो ये धागा आपको ऐसा दिख जाएगा ये बीच में से उठ जाएगा आप इमेजिन करिए कि आपने धागा तो चलिए वैसा होता है कि वो ढीला होता है कोई ऐसी चीज़ ले लो जो मुड़ सकती है थोड़ी सी जो थोड़ी सी लचीली होती है ऐसी चीज़ ले लो लेकिन थोड़ी सी मजबूत हो धागे जैसी भी नहीं तो आप उसको अपने हाथ में पकड़ लीजिए दोनों हाथों में लेफ्ट से और राइट से आपने उसको पकड़ रखा है आप ऐसे मान लीजिए कि कोई एक पेंसिल है और वो जो पेंसिल है वो थोड़ी सी लचीली है तो आपने एक पेंसिल को लेफ्ट और राइट अपने दो हाथों में पकड़ रखा है अपनी उंगलियों से अब आप उसको दोनों तरफ से दबा रहे हैं अगर वो लचीली है तो आप देखेंगे कि उसका जो बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो यही हुआ जो फोल्ड माउंटेन होते हैं उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं एक प्लेट बाउंड्री प्लेट बाउंड्री मतलब जब ये दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे तो हम इसको ऐसे देखते हैं ये दो प्लेट अब पास आ चुकी हैं तो ये इनकी बाउंड्री है इसको लाइन ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं क्योंकि यहां पे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ टकरा रही हैं इनके बीच फ्रिक्शन हो रहा है घर्षण हो रहा है तो इस वजह से क्या है जो बीच में जो चीजें थी वो धीरे धीरे भरेंगी अब क्या हुआ मैं एक हिमालयस का एग्जाम्पल देता हूं तो बीच में एक समुद्र होता था ये इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते थे इसे या इंडियन प्लेट भी बोल सकते हो तो मैंने आपको बताया कि जो इंडियन प्लेट है वो हमेशा से यहां नहीं थी वो नीचे थी पहले तो इंडिया की जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ आती रही और ऊपर जो रशिया कंट्री है यानी यूरेशियन प्लेट है उसके पास वो जब आई तो ये टकराए तो इनके टकराने से पहले बीच में एक समुद्र था जिसको टेथिस कहा जाता था टी ई टी एच वाई एस टेथिस और जब ये प्लेट पास आएंगी तो इनका जो टूट टूट के वो चीजें गिरती रहेंगी या सेडिमेंट होंगे वो बीच में गिरते रहेंगे तो ये समुद्र पूरा भर गया दलदली हो गया दलदली होने के बाद और ज्यादा भर गया और जैसे जैसे ये प्लेट पास आई तो बीच में ये पिस गया एकदम इसमें जो सेडिमेंट वगैरह थे वो ठोस होते गए धीरे धीरे ठोस होते गए और वो ऊपर की तरफ जाता गया तो धीरे धीरे ये फोल्ड बनते गए ऊपर की तरफ और बाद में जब ये प्लेट एकदम पास आ गई तो ये आज भी प्लेट एक दूसरे के खिलाफ रब करती हैं और इसीलिए कहते हैं कि जो माउंटेन्स हैं वो और ऊंचे उठते जाते हैं लेकिन क्या हिमालयाज की हाइट हर साल बढ़ रही है ऐसा भी नहीं है क्योंकि जितनी बढ़ती है उतनी ही फिर वो उसमें डिन्यूडेशन भी हो जाता है यानी टूट टूट के गिरना थोड़ा सा घिसना वो भी हो जाता है तो अंत में हिमालयाज की हाइट उतनी ही रहती है हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हिमालयाज की जो हाइट है वो हर साल इस वजह से बढ़ रही है ठीक है तो ये क्लियर है आपको अब इसमें मान लीजिए मैंने आपको एक धागा या पेंसिल वाला एग्जाम्पल दे समझाया था अब इसमें अगर ये जो एरिया है ये ऐसे उठ जाएगा तो ये एक पहाड़ बन जाएगा ये इस तरह से जो उठ गया यह पहाड़ बन गया तो इस तरह से हमारे फोल्ड माउंटेन दुनिया में बने यानी जो भी फोल्ड माउंटेन हमारे बने हैं वो दो चीजों के टकराने के कारण बने हैं दो चीजों की दो टेक्टोनिक प्लेट्स की कन्वर्जेंस के कारण बने हैं अब टेक्टोनिक प्लेट भी दो तरह की होती है और यह बहुत आसान है समझना यह देखिए एक तो होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब कुछ नहीं है जमीन का टुकड़ा उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं जहां पानी नहीं है और एक होती है ओशियानिक प्लेट आखिर में हमारा जो समुद्र है समुद्र के नीचे क्या है समुद्र के नीचे भी तो जमीन है तो वो आशियानिक प्लेट हो गई ठीक है तो दो प्लेट जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ रब करेंगी एक दूसरे की तरफ आएंगी तो वो फोल्ड माउंटेन वहां पर अपियर हुए दोनों के कन्वर्जेंस के कारण आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम में बड़ा अच्छा दिखाया है ये इंडियन प्लेट है यानी कि वो ये वाली है ये ऊपर की तरफ आई और ये यूरेशियन प्लेट है यानी रशिया वाली जो प्लेट है वो है ये और ये इनके टकराने के कारण बीच में जो टेथिस सी था उसके सेडिमेंट्स वगैरह सब ऊपर की तरफ चले गए और हिमालयस बन गए अब यहां पर अगर मैं आपसे कोई भी दुनिया के पहाड़ पूछू कि भाई वो कैसे बने हैं तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर देखिए ये है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका में ये जो पहाड़ है यानी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जो पहाड़ हैं सारे इनको बोलते हैं रॉकी रॉकी माउंटेन इन पहाड़ों को रॉकी कहा जाता है अब अगर मैं आपसे पूछूं ये रॉकी के पहाड़ कैसे बने तो ऑब्वियसली आप कहोगे दो चीजों के टकराने के कारण पर ये दो चीजें कौन सी टकराई तो एक तो थी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साथ में अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है क्योंकि ये पूरा जमीन का भूभाग है लेकिन साथ साइड में समुंदर है साइड में समुंदर है तो ये जो समुंदर है ये प्रशांत महासागर बोलते हैं तो प्रशांत महासागर में ये वाली जो नजदीक वाली प्लेट है इसको बोलते हैं जुआन डे फुका प्लेट ये ओशियानिक प्लेट है क्योंकि ऊपर पानी है ठीक है ऊपर प्रशांत महासागर है लेकिन नीचे तो जमीन है तो वो प्लेट है जुआन डे फुका प्लेट तो जुआन डे फुका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जब आपस में यहां पर टकराई तो बने ये पहाड़ ये पहाड़ कौन से हैं इनको बोलते हैं रॉकी के पहाड़ चलो दक्षिण अमेरिका पे मैं आ जाता हूं दक्षिण अमेरिका में जो ये पश्चिमी इलाका है यहां पे बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बोलते है, ये हैं यह है एंडीज के पहाड़ इनको बोलते हैं ए एन डी ई एस एंडीज के पहाड़ अगर मैं आपसे पूछूं एंडीज के पहाड़ कैसे बने तो दो प्लेट टकराई कौन सी एक तो थी नजका प्लेट ये नजका प्लेट है ये ओशियानिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी साउथ अमेरिकन प्लेट यानी साउथ अमेरिकन प्लेट और नजका प्लेट जब टकराई तो बनी तो बना ये एंडीज के माउंटेन इसी तरह मैं आपको कोई भी माउंटेन बोल दूं तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी दो प्लेट टकराई होंगी फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर यूरोप की बात करते हैं ये जो पहाड़ है ये जो पहाड़ है ये है आ, ये एल्प्स बोलते हैं इन्हें एल्प्स बोलते हैं ठीक है थीके? इसी तरह से यहां अफ्रीका के यहां पे माउंटेन्स हैं ऊपर इनको बोलते हैं एटलस एटलस माउंटेन तो अब जो एटलस माउंटेन बने वो कैसे बने तो उसमें अफ्रीकन प्लेट टकराई किसके साथ यूरेशियन प्लेट के साथ तो अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन ये पूरी यूरेशियन प्लेट है तो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो ये बन गए एटलस के माउंटेन ठीक उसी तरह आल्पस भी आल्पस में भी में वही दो प्लेट टकराई अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट तो हमारे दुनिया में फोल्ड माउंटेन कौन से हैं फोल्ड माउंटेन कौन से हैं फोल्ड माउंटेन हमारे जैसे भारत में हिमालयाज हैं ये फोल्ड माउंटेन है या जो रॉकीज हैं एंडीज हैं या ये सारे जो पहाड़ हैं जैसे एल्पस हो गए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में हैं एल्प जैसे इटली फ्रांस स्विट्जरलैंड और जर्मनी ये सब जो कंट्रीज हैं या एटलस के जो माउंटेन हैं अफ्रीका में तो ये सारे के सारे हो गए हमारे फोल्ड माउंटेन तो आई होप फोल्ड माउंटेन आपको क्लियर होगा कैसे बने और एक छोटी सी चीज और आपके एमसीक्यू के लिए जब ये जब ये कन्वर्जेंस होती है मैंने एक धागे का एग्जाम्पल दिया था आप इसको ऐसे मान लीजिए ऐसे मान लीजिए ठीक है थोड़ा सा और स्टीप होता है क्योंकि माउंटेन बन रहे हैं तो अब ये जो उठी हुई चीज है इसको हम बोलते हैं एंटी क्लाइन यहां पर आप देख सकते हैं ये जो और ट्रफ आपने ये वेव में सुना होगा कि एक ट्रफ होता है उभार होता है और एक डिप्रेशन होता है जिसको ट्रफ बोलते हैं तो ये जो उभरी हुई चीज है इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन और जो ये नीचे वाली चीज है इसे हम क्लाइन बोलते हैं तो और एंटीक्लाइन दोनों देखने को मिलते हैं एक फोल्ड माउंटेन के स्ट्रक्चर में तो आई होप फोल्ड माउंटेन अब आपको एकदम क्लियर होगा कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं अब याद रखिए फोल्ड माउंटेन में भी हम कई बार हम कुछ को ओल्ड फोल्ड बोल देते हैं किसी को न्यू फोल्ड माउंटेन बोल देते हैं वैसे आजकल मैं बता दूं आजकल ओल्ड फोल्ड हम जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि जो बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन है बहुत ही पुराने वो टूटते रहते हैं खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे उनमें डीन्यूडेशन वेदरिंग होती रहती है अनाच्छादन जिसे बोलते हैं हिंदी में यानी वो टूटते रहते हैं जैसे अब अरावली के पहाड़ है तो अरावली के पहाड़ ओल्ड फोल्ड माउंटेन है बहुत पहले के बने हुए हैं ये लेकिन अब इन्हें हम ओल्ड फोल्ड नहीं बोलते अब इन्हें बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन रेजिडुअल का मतलब कुछ नहीं है जो बच गए अवशेष यानी वो रेजिडुअल हो गए आप अरावली के पहाड़ अगर देखें तो कोई वो बहुत ऊंचे नहीं है और टूटे फूटे हैं लगातार भी नहीं है कंटिन्यूस भी नहीं है जैसे हिमालयस तो लगातार है बीच में गैप नहीं है लेकिन अरावली वाले जो हैं थोड़े टाइम पहाड़ चलते हैं फिर रुक जाते हैं फिर वो तो अरावली के जो माउंटेन्स हैं फोल्ड माउंटेन वैसे अरावली को हम हिल बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट कम है तो हिल बोलते हैं अरावली हिल्स बोलते हैं बट ये फोल्ड माउंटेन्स ही हैं फोल्ड फोल्ड के कारण ही बने थे अरावली वाले भी तो अरावली है या रशिया में है उरल माउंटेन रशिया में ऊरल माउंटेन जो है ये भी फोल्ड माउंटेन है लेकिन उरल वालों को भी हम रेज्यूडल बोलते हैं तो कई बार आप ये ये भी वर्ड सुनेंगे माउंटेन माउंटेन कौन से हैं अरावली या उरल तो residual कुछ नहीं है ओल्ड फोल्ड है और जो नए बने हैं न्यू फोल्ड माउंटेन उनमें सारे हो गए जैसे नॉर्थ अमेरिका के हो गए रॉकी या साउथ अमेरिका के एंडीज या फिर एल्प हो गए या एटलस माउंटेन हो गया या फिर हो हो गए ये सब हो गए न्यू फोल्ड माउंटेन तो ये क्लियर होगा अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के पहाड़ों की जिनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन तो ब्लॉक माउंटेन कब बनते हैं देखो एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि आपने देखा कि जब फोल्ड माउंटेन बने तो प्लेट जो थी वो सिर्फ पास आई एक दूसरे के इस से, इस वजह वजह से से फोल्ड माउंटेन बने लेकिन प्लेट टूटी नहीं थी प्लेट जो है वो टूटी नहीं थी जो हमारी अर्थ की प्लेट है चाहे वो प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो वो टूटी नहीं थी लेकिन ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है ब्लॉक माउंटेन में फॉल्टिंग आ जाती है फॉल्ट मतलब क्या होता है कमी कहते हैं ना फॉल्ट मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है अवगुण नहीं है लेकिन ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं हमारा जो धरती का जो क्रस्ट है वो क्रैक हो जाता है उसमें कोई किसी तरह की फॉल्टिंग आ जाती है तो उस वजह से ब्लॉक बन जाते हैं अब मान लीजिए ये ये एक ये एक हमारी प्लेट है ठीक है अब ये प्लेट में भी आप जानते हैं क्रस्ट आ, होता है जो आ, क्रस्ट फिर लिथोस्पियर होता है उसका नीचे वाला पार्ट जो बहुत ज्यादा जिसमें पत्थर वाला जो भाग होता है और नीचे फिर मेंटल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं धरती के लेयर होते हैं तो अब ये आप मान लीजिए कि ये एक हमारी प्लेट है धरती की और इसमें यहां पे दरार आ गई ठीक है अब ये दरार जो है वो दो तरह की होती है कई बार उसकी शेप ऐसी भी हो सकती है या जो उसकी शेप है वो ऐसी भी हो सकती है ऐसी भी हो सकती है कहने का मतलब है दरार जो आई है अब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए मैं आपको एक वो दिखाता हूं ये एक आ, ये एक टुकड़ा है ये एक टुकड़ा है किसी उसका आ, लकड़ी का टुकड़ा है इसको आप मान लीजिए कि ये आपका आ, ये आपकी प्लेट है ये आपके प्लेट है एक धरती की प्लेट है मैंने लकड़ी का टुकड़ा लिया तो लकड़ी का जो टुकड़ा है मैंने उसे बीच में से इस तरह से काट दिया और असली में यही होता है हमारी धरती के जो आ, क्रस्ट होता है अब इसमें यह हरे वाला क्रस्ट है ये येलो वाला लेथोस्फियर है और ये नीचे मेंटल स्टार्ट हो जाता है तो आ, अब इसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं यानी हमारी धरती की जो प्लेट है उनमें दो तरह के फोर्सेज होते हैं एक जो इस तरह से लगते हैं और एक जो इस तरह से लगते हैं इन्हें कंप्रेशन बोलते हैं इन्हें टेंशन बोलते हैं इन्हें टेंशन बोलते हैं तो यानी कि आप किसी चीज को दबा सकते हो या किसी चीज को खींच सकते हो दो ही चीजें आप कर सकते हो किसी टुकड़े के साथ अब अब यहां पर दरारें आ चुकी हैं तो ये दरारें अब आप इमेजिन करिए कि ये तीन अलग अलग हो गए हैं इनमें फॉल्ट आ गया है तो धरती में भी यही होता है धरती का जो ये टुकड़ा है प्लेट है ये इसमें दरार आ गई है अब आपने क्या किया इसको उठा लिया उठाने के बाद आपने अभी तक इसको तीनों को दबा के रखा है लेकिन जैसे ही आप अपना ये ढीला करोगे अपनी जो ग्रिप है वो ढीली करोगे तो क्या होगा तो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ जाएगा या ये भी हो सकता है अगर आप इसे दबाओ तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाए समझ गए बात को अब उसमें वो डिपेंड करेगा कि फॉल्ट किस तरह का है तो ये वाला जो है हिस्सा अगर आप मान लीजिए इसको यहां से दबाते हो और इसको यहां से दबाते हो तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा यानी ये एक ब्लॉक है पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ब्लॉक ये शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ यानी एन मास ये पूरा का पूरा ब्लॉक अब ऊपर की तरफ जाएगा और ये दोनों रिलेटिवली नीचे आ जाएंगे यानी ऐसा हो जाएगा वहीं एक चीज ये भी हो सकती है कि जो फॉल्ट है वो इस तरह का आ गया यानी उसकी डायरेक्शन इस तरह से है तो अब इसमें क्या होगा इसमें आप अगर तीनों को आपने लगातार उठा के रखा है एक दूसरे के साथ सटा के रखा है आप थोड़ा सा अगर इन्हें खींचोगे यानी टेंशन खींचना मतलब टेंशन तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ गिर जाएगा और यह वाले जो दो हिस्से हैं यह ऊपर की तरफ रहेंगे उस केस में यह पहाड़ हो गए यह पहाड़ हो गए और यह वाला जो हिस्सा है यह नीचे यह घाटी बन गई इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है और यहां पे यह बीच वाला पहाड़ बन गया और यह घाटी बन गई तो यह हो गई रिफ्ट वैली तो क्लियर है यह एकदम कि जो ब्लॉक माउंटेन है वो कैसे बने ब्लॉक माउंटेन में सबसे पहली चीज यह होती है कि जो प्लेट होती है प्लेट के अंदर दरार आ जाती है फॉल्ट आ जाता है और ये फॉल्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है इस तरह से भी हो सकती है या उल्टी भी हो सकती है और उसमें फिर वो डिपेंड करेगा कि जो वो ब्लॉक बन गए अब ये तीन ब्लॉक बन गए यहां पे अब तो इनमें डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव मूवमेंट क्या है रिलेटिव मूवमेंट में एक नीचे जा रहा है दो ऊपर जा रहे हैं या एक ऊपर जा रहा है दो नीचे जा रहे हैं तो जो भी ऊपर जाएगा वो माउंटेन बन जाएगा और जो नीचे की तरफ होगा वो घाटी बन जाएगी यानी कि रिफ्ट बन जाएगी तो इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन और यहां पे आप देख सकते हैं ये एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन का तो भारत में नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली में बहती है तापी नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है जो घाटी बन जाती हैं और ये जो पहाड़ हैं विंध्य और सतपुरा के पहाड़ जो हैं ये ब्लॉक माउंटेन का भारत में एग्जाम्पल है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये बीच में जो घाटी बन रही है ये पहाड़ों के ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्लॉक माउंटेन की इनमें एक लगातार कंटिन्यूटी हो सकती है लेकिन बीच में घाटी जरूर रहेगी तो ये धरती में जो फॉल्ट आते हैं उसके कारण बनते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन और जो दो प्लेट के आपस में टकराने के कारण कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण बनते हैं उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन तो ये है हमारे दो तरह के माउंटेन अब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ हैं ये फ्रांस में ये यूरोप में मिलते हैं ये भी एक एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का इसमें भी आप देख सकते हैं बीच में काफी वेल डिफाइंड एक रिफ्ट वैली है जिसमें नदी बह रही है और इस तरफ भी ब्लॉक माउंटेन है और इस तरफ भी ब्लॉक माउंटेन है तो यह है ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल आपको बता दूं जैसे कि वॉस्ज माउंटेन जो यूरोप में है तो ये जो फोटो है ये वोजस माउंटेन की है यूरोप में फ्रांस वगैरह में है ये फिर सतपुरा के पहाड़ भारत में विंध्या के पहाड़ फिर उत्तरी अमेरिका में सियारा नवाड़ा के जो पहाड़ हैं वो भी ब्लॉक माउंटेन है या जर्मनी में जो हर्ज ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो भी एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन का अब आपने इतना समझ लिया यानी कि आपने अब क्या क्या पढ़ा अभी तक आपने पढ़ा फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं आपने पढ़ा कि आ, जो ब्लॉक माउंटेन है वो क्या होते हैं और आपने पढ़ा रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं रेजिडुअल जैसे अरावली या उरल के पहाड़ लेकिन एक होते हैं वॉलकैनिक माउंटेन ये बड़े आसान है ये कुछ नहीं है वो ज्वालामुखी है बस ज्वालामुखी जब फटता है अब ये कोई मान लो ज्वालामुखी है तो इसके मुंह से जो निकलता है यानी कि लावा वगैरह निकलता है वो यहीं बैठ जाता है तो एक पहाड़ जैसी आकृति आ जाती है और वो वो वालकैनिक माउंटेन है जैसे ये सबसे खूबसूरत पहाड़ बोलते हैं दुनिया का माउंट फूजी इसे सबसे खूबसूरत इसलिए बोलते हैं आपकी शेप देखिए एकदम शेप इसकी सिमेट्रिक है जैसे आप वो उसमें बनाते हैं पेंटिंग्स में एकदम यहां से ऐसे और यहाँ से ऐसे इतनी सिमेट्री दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी और बिल्कुल आइसोलेटेड है आसपास कुछ और नहीं है तो एकदम ऐसे दिखता है बिल्कुल माउंट फूजी जो है ये दिखता है जापान में और माउंट केली ये सब वालकैनिक माउंटेन है यानी कि जिनमें वालकैनिक एक्टिविटी है जो वालकैनिक इरप्शन वगैरह की वजह से बने वो है वॉलकैन माउंटेन तो हमने सारे तरह के माउंटेन जो है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं और अब हम इस पोजिशन में आ गए हैं कि हम अब भारत के जो पहाड़ हैं उनको ढंग से पढ़ सकें देखो भारत के जो पहाड़ हैं उनको आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ हैं और किस तरह हैं तभी आप ये वर्ड समझ पाएंगे जंसकार या लद्दाख या काराकोरम और ये सब समझ पाएंगे तो उसके लिए पहले आपको भारत का नक्शा समझना पड़ेगा नक्शा आपको पता है ये लेटेस्ट नक्शा है भारत का जो कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बना है अब इसमें आप ये देखिए ये जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये जम्मू कश्मीर है ये लद्दाख है तो ये वाले जो, जो पहाड़ हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हिमालयाज हैं वो किस तरह से हैं हिमालयाज जो हैं उनके तीन वो होती हैं लेयर सबसे इस तरह से होती है फिर उसके नीचे होता है और फिर उसके नीचे होता है यानी तीन पैरल हमारे चलते हैं तीनों तरह के हिमालयाज सबसे ऊपर वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेट हिमालय बीच वाले होते हैं मिडल हिमालय और मिडल को लेसर भी बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट कम होती है और सबसे बाहर वाले जो हैं ये इन्हें बोलते हैं शिवालिक तो अभी इसमें मैंने जो मिडल हिमालयाज हैं और शिवालिक इनकी पूरी चेन नहीं दिखाई है लेकिन मैं ग्रेट हिमालयाज हैं सबसे ऊपर वाले ग्रेट हिमालयाज का नाम ही ग्रेट हिमालयाज है इन्हें हिमाद्रे भी बोलते हैं क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा है तो जो दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं पर्वत की जैसे माउंट एवरेस्ट है या मकालू है कंचन जंगा है जो सारी हैं वो ग्रेट हिमालयास में आती हैं तो ग्रेट हिमालयास जो हैं आप देखिए यहां पे ये वाली जो लाइन है ये ग्रेट हिमालयास की लाइन है ये वाली जो लाइन है ये ग्रेट हिमालयास की है फिर ये पूरी जो चली गई नेपाल में फिर ये आगे ये भूटान है तो भूटान में चली गई फिर ये पूरा पीछे अरुणाचल तक तो ये वाले जो हैं ये हैं ग्रेट हिमालयास तो ग्रेट हिमालयास के नीचे यानी नीचे के मतलब दक्षिण की तरफ यहां पे ऐसी ही एक पैरल रेंज चलेगी पूरी पूरी पैरल रेंज चलेगी पूरा पीछे तक ये हो जाएगी मिडल, रेंज, ये मिडल में आते हैं और उसके नीचे एक और चेन चलेगी बिल्कुल ऐसी ही इसी के तो ये वाली जो है इसे बोलेंगे शिवालिक या आउटर हिमालयाज तो ये तो हिमालयाज की बात हो गई लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो हिमालयाज के भी ऊपर हैं राइट तो मैं इसमें अगर आपको दिखाऊं यहां पर देखिए ग्रेट हिमालयाज तो ये ये वाली लाइन है और जंस्कार जो रेंज है ये कुछ नहीं है ग्रेट हिमालयास को कश्मीर में जंस्कार बोलते हैं मैं रिपीट करता हूं ग्रेट हिमालयास को कश्मीर में जंस्कार रेंज कहा जाता है और अब हम बात करते हैं हिमालयाज के ऊपर क्या है तो हिमालयास तो यहीं तक बस उनका दायरा है लेकिन हिमालयास के ऊपर भी तो पहाड़ है तो ये कौन कौन से पहाड़ है ये है सबसे पहले काराकोरम के पहाड़ रेंज रेंज मतलब क्या होता है श्रृंखला देखो पहाड़ अगर लगातार हैं बहुत सारे हैं तो उनको फिर हम रेंज बोलते हैं यानी कि श्रृंखला बोलते हैं अब यहां पे काराकोरम के पहाड़ जो हैं लद्दाख के जो पहाड़ हैं और लद्दाख के पहाड़ जब तिब्बत में घुस जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कैलाश के पहाड़ यानी कि कैलाश के पहाड़ कुछ नहीं है लद्दाख के जो पहाड़ हैं यही जब तिब्बत में घुस जाते हैं क्योंकि ये जो है ये पूरा तिब्बत का इलाका है तो यहां पर ये जो पहाड़ है इन्हें बोलते हैं कैलाश के पहाड़ क्या मैं ये बोलूं कि कैलाश के पहाड़ हिमालयास का हिस्सा है बिल्कुल नहीं ये तो हिमालयास के ऊपर है तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालयाज ट्रांस हिमालयास कुछ नहीं है मतलब हिमालयास के भी बियॉन्ड हिमालयास के भी ऊपर हिमालयास के भी परे इसीलिए ट्रांस हिमालयास कहा जाता है तो ट्रांस हिमालयास में कौन कौन से पहाड़ होते हैं तीन श्रृंखलाएं ऐसी हैं यानी आप अब दे, अब देख सकते हैं ग्रेट हिमालय मिडल हिमालय ग्रेट हिमालय मिडल हिमालय और आउटर हिमालय यानी शिवालिक इनके भी ऊपर कौन कौन से हैं तो ये भारत की बात करेंगे सिर्फ दूसरे देशों की बात नहीं करेंगे हिंदू कुश के पहाड़ भारत में नहीं है इनकी बात नहीं करेंगे तो सबसे पहले काराकोरम के पहाड़ फिर लद्दाख के पहाड़ और फिर कैलाश के पहाड़ इनको ट्रांस हिमालयास कहा जाता है कुछ लोग ये बोलते हैं कि जंस्कार के जो पहाड़ हैं वो भी ट्रांस हिमालय हैं लेकिन ऐसा नहीं है जंस्कार के पहाड़ ग्रेट का ही ऑफशूट हैं तो ग्रेट हिमालयास को कश्मीर में जंस्कार बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जंस्कार वैली आपने सुना होगा उनकी हम अभी बात करेंगे तो सबसे पहले हिमालय को भी पढ़ने से पहले क्यों ना ट्रांस हिमालयास को पढ़ा जाए ठीक है ट्रांस हिमालयास कौन कौन से हैं काराकोरम के पहाड़ काराकोरम श्रृंखला कैलाश श्रृंखला और लद्दाख श्रृंखला यानी लद्दाख क्या है लद्दाख और लेह में फर्क क्या है कई लोग पूछते हैं लेह तो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है लेकिन लद्दाख जो है वो पर्वत श्रृंखला का नाम है और अब लद्दाख तो एक अलग से यूनियन टेरिटरी है तो शुरू करें काराकोरम अब पहले पहले हम पढ़ेंगे काराकोरम ठीक है फिर पढ़ेंगे लद्दाख और फिर पढ़ेंगे अब काराकोरम देखिए आप जा, अब और आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं यानी काराकोरम जो है ये भी बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं बहुत ज्यादा बर्फ यहां पर रहती है बिल्कुल क्योंकि आप जितना उत्तर की तरफ जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी तो काराकोरम के पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो भी बहुत रहती है और काराकोरम के पहाड़ों में के पीक है केटू केटू आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है केटू तो ये काराकोरम श्रृंखला में आती है केटू यानी क्या केटू हिमालयाज में आती है नहीं ट्रांस हिमालयाज में आती है और ट्रांस हिमालयाज में भी किसमें काराकोरम श्रृंखला में काराकोरम श्रृंखला का हिमालय की श्रृंखला से कोई लेना देना नहीं है हिमालय की श्रृंखला जहां खत्म हो जाती है काराकोरम श्रृंखला उसके ऊपर है यानी ट्रांस हिमालयाज में तो काराकोरम रेंज में आपको क्या क्या दिखाई देगा काराकोरम रेंज जो शुरू कहां से होती है पामिर नॉट अब यह पामिर नॉट क्या है देखो पामिर नॉट यह है कि आ, आप यहां पे देखो यहां से काराकोरम के पहाड़ शुरू हो रहे हैं कहीं से इसको पामिर नॉट बोलते हैं नॉट मतलब क्या होता है अंग्रेजी में के नॉट मतलब होता है गांठ जैसे आप धागे धागा ले, ले लेते हैं धागे की गांठ मान देते हैं आप चार पांच धागे लेके उनकी आपस में गांठ मान सकते हैं तो इसी तरह आप यहां पे पामिर नॉट में क्या होता है ये हिंदू कुश के पहाड़ जो हैं ये जो पहाड़ आ रहे हैं ये जो कंट्री है ये पाकिस्तान है और ये इसके पीछे अफगानिस्तान है तो हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहे हैं ये यहां पे मिल यहाँ पे ख, आ, मिल रहे हैं और यहां से तिब्बत से पहाड़ आते हैं ये तिब्बत है पूरा तो तिब्बत से ये पहाड़ की श्रृंखला आती है इसको बोलते हैं कुनलुन यानी तिब्बत से जो आ रही है ये है के यू यू एन एन एल इधर से जो आ रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से इन्हें बोलते हैं हिंदू कुश के पहाड़ और एक यहां नीचे पाकिस्तान से आते हैं जिन्हें बोलते हैं सुलेमान के पहाड़ तो ये जो पहाड़ है इन्हें बोलते हैं सुलेमान के पहाड़ यहां से हिंदू कुश के पहाड़ और यहां से पामिर के पहाड़ यहां से कुन लुन आ, के पहाड़ जो तिब्बत से आ रहे हैं और यहां से भारत से जो आ रहे हैं जिन्हें काराकोरम श्रृंखला ये सारी यहां पर मिल जाती है ऐसा लगता है कि छह सात पर्वत श्रृंखला यहां पर मिल रही है तो इनकी जो गांठ है इसको बोलते हैं पामिर नॉट तो पामिर नॉट से स्टार्ट होती है काराकोरम श्रृंखला तो पामिर नॉट से स्टार्ट होती है काराकोरम श्रृंखला और पामिर नॉट को हम हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं दुनिया का सबसे ऊंचाई पे जो पठार है वो बोलते हैं और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत इसे कहा जाता है तो काराकोरम श्रृंखला जितने भी ट्रांस हिमालयाज हैं उनमें सबसे लंबी और सबसे ऊंची श्रृंखला है सबसे लंबी मतलब लंबाई बहुत ज्यादा है यानी लगातार जो किलोमीटर में अगर देखें तो काराकोरम श्रृंखला तीनों ट्रांस हिमालयाज में सबसे ऊंची है हम यहां पे तीन ही ट्रांस हिमालयाज की बात करेंगे काराकोरम लद्दाख और कैलाश तो यहां पर कौन कौन से पहाड़ मिलते हैं आ, पामिर नॉट पे पामिर गांठ जो है हिंदू कुश के पहाड़ सोलेमान के पहाड़ काराकोरम के पहाड़ और कुल्लुन के पहाड़ ये मिलते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है काराकोरम श्रृंखला की K2 अब K2 के, के दो नाम हो रहे हैं K2 को Godwin Austen बोलते हैं Godwin और जो ऑस्टिन थे ये वैज्ञानिक के नाम है Godwin Austen बोलते हैं इनफैक्ट ब्रिटेन में ब्रिटिश लोग इसे Godwin Austen कहते थे लेकिन चाइना वाले इसे कुगिर बोलते हैं तो चाइना में इसे कुगिर कहा जाता है QYOGIR QOGIR K2 कुगिर क्लियर और माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है K2 यानी कि काराकोरम 2 और ये 8611 मीटर अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप क्या मार्क करोगे ठीक है ये डिपेंड करता है कि आप आ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानते हो कि नहीं डिस्प्यूटेड एरिया है तो इसलिए हम कह देते हैं कंचनजंगा कंचनजंगा जो है ये दुनिया की आ, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वैसे क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो केटू की ऊंचाई है आठ मीटर लेकिन जो आ, जो कंचनजंगा की ऊंचाई है आठ मीटर तो कंचनजंगा केटू से छोटी है लेकिन केटू जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है आप यहां पर देखिए ये गिलगिट बल्टिस्तान वाला जो एरिया है केटू है कहां पर मैं आपको एक मैप और दिखाता हूं ये देखिए ये जो मैप है ये ये हमारा देश है भारत है और यहां केटू है बिल्कुल ऊपर ये गिलगिट बल्टिस्तान वाला जो एरिया है तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है तो हम ये नहीं कहते कि भारत में केटू है लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ आपसे नहीं पूछा गया और केटू ऑप्शन में है तो फिर आप केटू मार्क करेंगे लेकिन आप पे एक बात ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू तो हिमालय में नहीं आती केटू तो काराकोरम के पहाड़ों में आती है ये तो ट्रांस हिमालयाज में आती है तो फिर आप कहेंगे कंचनजंगा क्योंकि कंचनजंगा हिमालयाज में आती है ग्रेट हिमालयाज में आती है क्लियर यहां पर तो ये है केटू तो काराकोरम में और क्या मिलेगा आपको काराकोरम में आपको इसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे ग्लेशियर मतलब हिमनद देखो ये बहुत ऊंचे पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे सबसे तीसरे सबसे ऊंचे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं तो इतने ऊंचे जब पहाड़ होते हैं तो ऊपर बर्फ जम जाती है और जब वो बर्फ टूट के गिरती है तो एकदम से सीधा पानी नहीं बनती यानी बर्फ के टुकड़े तैरते हैं उनको हिम नद कहा जाता है हिम मतलब बर्फ नद, मतलब नद मतलब नदी यानी बर्फ की नदी उन्हें ग्लेशियर कहते हैं और यही जो ग्लेशियर होते हैं यही जो हिमनद होते हैं इन्हीं से बाद में नदियां बनती हैं तो तीन बहुत बड़े ग्लेशियर काराकोरम की श्रृंखला में हैं पहला है सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर जो है इसे अभी अभी पर्यटकों के लिए भी खोला गया है और सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत में सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है और सबसे लंबा भी है 76 किलोमीटर यानी 76 किलोमीटर तक आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा और यहां से एक नदी भी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से जिसका नाम है नुबरा नदी तो नुबरा नदी जो है ये शोक नदी की सहायक नदी है और शोक नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है तो नदी जो है ये मिल जाती है जाके शोक में और शोक मिल जाती है जाके इंडस में यानी कि सिंधु नदी में तो दूसरा जो ग्लेशियर है वो है बालटोरो ग्लेशियर बाल ग्लेशियर जो है ये भी काराकोरम श्रृंखला में है लेकिन ये गिलगिल -गिल बल्टिस्तान में है और ये तिरसठ किलोमीटर लॉन्ग है सियाचिन ग्लेशियर क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं है भारत का यहां पे दबदबा है तो आप साफ बोल सकते हैं भाई सियाचिन ग्लेशियर तो इंडिया में है तो इंडिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर को अभी खोला गया है लेकिन आप पूरा ऊपर तक नहीं जा सकते याद रखिए आप ये अगर सियाचिन ग्लेशियर है मान लो ऊंचाई पे काफी तो आप सिर्फ यहां तक जा सकते हो यानी आप सिर्फ कुमार पोस्ट तक जा सकते हो आप बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा सकते आप बाना पोस्ट तक नहीं जा सकते लेकिन बाना पोस्ट मतलब एक आ, हमारे सिपाही थे सोल्जर थे बाना सिंह उनको परमवीर चक्र मिला था तो उनके नाम पे बाना सिंह के नाम पे बाना पोस्ट रखा हुआ है सबसे ऊंचाई पे जो एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का वहां पर आप नहीं जा सकते आप बेस कैंप से कुमार पोस्तक सिर्फ जा सकते हो तो कुमार पोस्तक जा सकते हो बाना पोस्तक नहीं जा सकते पर्यटन के लिए कह रहा हूं तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख में है और ये काराकोरम के पहाड़ों में है लद्दाख मतलब लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख है यूनियन टेरिटरी उसमें उसकी बात हो रही है लद्दाख पर्वत श्रृंखला की बात नहीं हो रही लद्दाख पर्वत श्रृंखला अलग है तो हम ये नहीं कह सकते सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के माउंटेन रेंज में नहीं भारत वाला जो लद्दाख है उसमें है क्योंकि आपकी अगर मैप देखें यहां पर आप मैप देखें तो लद्दाख इतना बड़ा लद्दाख है ये पूरा लद्दाख है तो लद्दाख में ही काराकोरम की श्रृंखला भी आ गई हां तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है लेकिन लद्दाख के पहाड़ों में नहीं है लद्दाख रेंज अलग है लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग है क्लियर तो काराकोरम में आपको एक ग्लेशियर और बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है वो है बियाफो ग्लेशियर वैसे तो बहुत सारे हिमनद हैं लेकिन जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट है वो हैं सियाचिन ग्लेशियर बालटोरो ग्लेशियर और बालटोरो ग्ले... जो हिमनद है उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है शिगार नदी और शिगार नदी भी जाके सिंधु नदी में मिल जाती है फिर है बियाफो ग्लेशियर बियाफो हिमनद बियाफो हिमनद जो है वो सत्तर किलोमीटर लंबा है यानी भारत में सियाचिन के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है बियाफो ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर है तिरसठ किलोमीटर लंबा यानी ये तीसरे नंबर पर आता है लंबाई में और जो सियाचिन ग्लेशियर है इसे हम दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल बोलते हैं हाइएस्ट बैटल यानी जंग का मैदान पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जो जंग का मैदान है वो है सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर एक बार पाकिस्तान ने हथियाने की कोशिश भी की थी लेकिन भारत ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन मेघदूत उसके बाद हमने सियाचिन ग्लेशियर को वापस पा लिया था। तो काराकोरम खत्म पे। काराकोरम अब एकदम क्लियर होगा आपको कहां लद्दाख की बात करेंगे अब हम आते हैं लद्दाख है तो 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 में, है। में तो लद्दाख कहां पर है लद्दाख काराकोरम के दक्षिण और ईस्ट में है क्योंकि नीचे जा रहे हैं मतलब दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो लद्दाख जो है ये काराकोरम के नीचे है यानी दक्षिण में है और पूर्व की तरफ है क्योंकि हम जब राइट में जाते हैं तो पूर्व की तरफ जाते हैं कोई कंफ्यूजन हो तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो ईस्ट ये है और ये वेस्ट है पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है और तो दक्षिण जो है दक्षिण और ईस्ट की तरफ है लद्दाख श्रृंखला तो लद्दाख में आपको क्या क्या मिलेगा लद्दाख श्रृंखला साउथ ईस्ट में आती है साउथ में और ईस्ट में काराकोरम के पहाड़ों में आ, और इट इज सेपरेटेड बाय शोक रिवर फ्रॉम काराकोरम एंड बाय इंडस रिवर फ्रॉम जंस्कार रेंज इन द साउथ कहने का मतलब यह है े काराकोरम की श्रृंखला है यह लद्दाख की श्रृंखला है इनके बीच में एक नदी बहती है यह नदी कौन सी है यह नदी है शोक नदी और शोक नदी वही है जो सिंधु में जाके मिल जाती है और शोक में मिलती है नुब्रा नदी अब लद्दाख के नीचे ये आप जंस्कार देख रहे हैं तो लद्दाख और जंस्कार के बीच में कौन सी नदी बहती है ये नदी कौन सी है तो ये है हमारी इंडस नदी इंडस नदी किसको जुदा करती है ये लद्दाख और जंस्कार को जुदा करती है और लद्दाख और काराकोरम को कौन सी नदी जुदा करती है शोक नदी क्लियर लद्दाख में आपको लद्दाख के पर्वत श्रृंखला में आपको खरदुंगला पास मिलेगा जो भारत का सबसे ऊंचाई पे मोटोरेबल रोड है यानी आप यहाँ पे व्हीकल चला सकते हैं सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जो रोड है भारत में वो है खरदुंगला पास और चंगला पास भी काफी एग्जाम में आता है कि चंगला पास कहाँ है लद्दाख रेंज में उसके अलावा अः ये लद्दाख रेंज जब चाइना में घुस जाती है तो उसे वहां कैलाश रेंज बोलते हैं और कैलाश के जो पहाड़ हैं उनमें कैलाश पर्वत है और मानसरोवर लेक है यहां पे लद्दाख रेंज में एक नदी भी है एक वो भी है लेक झील भी है जिसको बोलते हैं पैंगोंग सो याद रखिए पैंगोंग सो भारत चाइना के एकदम बॉर्डर पे है और इसका दो तिहाई हिस्सा चाइना में है और एक तिहाई हिस्सा जो है वो इंडिया में है ये सैलाइन लेक है सैलाइन मतलब नमकीन पानी है इस लेक में इसमें ऐसा नहीं है कि इस लेक में ये बहुत खूबसूरत लेक है बहुत साफ है लेकिन पानी इसका पीने योग्य नहीं है नमकीन वाटर इसमें आपको मिलेगा पेंगोंग सो लेक इसके अलावा लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है उसको स्टॉक कांगड़ी बोलते हैं स्टॉक कांगड़ी जो है ये लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये आप यहां पे देख सकते हैं ये जो ऊपर चोटी है इसको स्टॉक कांगड़ी बोलते हैं और ये जो चोटी है हेमिस नेशनल पार्क में है हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत में एकमात्र नेशनल पार्क है जो हिमालयाज के नॉर्थ में है यानी ट्रांस हिमालयाज में बाकी सारे नेशनल पार्क हिमालयाज के साउथ में लेकिन ये जो है ये हेमिस नेशनल पार्क में आती है स्टॉक कांगड़ी पीक और हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यानी लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है पूरे भारत में अब हमने काराकोरम पढ़ लिया है हमने लद्दाख पढ़ लिया है अब हम आते हैं कैलाश तो कैलाश क्या है कैलाश मैंने आपको बताया कि लद्दाख के जो पहाड़ हैं जब वो तिब्बत में घुस जाते हैं यानी ये अब तिब्बत में घुस गए तो इन्हें बोल देते हैं कैलाश के पहाड़ तो कैलाश के पहाड़ ये भगवान शिव का घर माने जाते हैं हमारे जो पुराण हैं हमारी जो कथाएं हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो कैलाश के पर्वत में रहते हैं और कैलाश के जो पर्वत श्रृंखला है इसमें सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट कैलाश तो माउंट कैलाश की ऊंचाई है छह हजार छह सौ अड़तीस मीटर यहीं पे कैलाश पर्वत के पास ही एक तालाब है जिसको बोलते हैं लेक मानसरोवर मानसरोवर यात्रा भी होती है क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है कैलाश मानसरोवर तो मानसरोवर जो लेक है कहते हैं यहां से तीन नदियां निकलती हैं वैसे चार निकलती हैं तो इनके नाम है सिंधु नदी सतलुज नदी ब्रह्मपुत्र नदी और करनाली करनाली को घाघरा नदी भी बोलते हैं जो गंगा में मिल जाती है तो ये तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी फिर नेपाल की तरफ जाती है फिर भारत आती है बिहार में जाती है घाघरा कोसी गंदक सारी नदियां जो है गंगा में मिल जाती है तो उनमें जो घाघरा नदी है वो तिब्बत से निकलती है तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है क्लियर क्योंकि कैलाश के पहाड़ कहां पर तिब्बत में तो अगर आपसे पूछा जाए कि तिब्बत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं तिब्बतन प्लेट्यू ये तिब्बत का पठार जो है कौन सी नदियां निकलती हैं तो सिंधु नदी सिंधु नदी निकलती है फिर वो भारत आती है फिर पाकिस्तान जाती है तो सिंधु नदी है दूसरी है सतलुज सतलुज भारत कैसे आती है सतलुज नदी शिपकिला पास से होकर आती है सतलुज नदी शिपकिला पास जो है हिमाचल प्रदेश में वहां से निकल जाती है और भारत आ जाती है और फिर है ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूरे चाइना को ट्रेवल करती है तिब्बत को ट्रेवल करती है यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए ये कैलाश के पहाड़ हैं ब्रह्मपुत्रा नदी निकली फिर ये ऐसे जाएगी पूरा ऐसे पैरल फिर घूम के फिर अरुणाचल में आएगी फिर आसाम में आएगी ऐसे तो ये नदी तोसांग पो जिसे बोलते हैं और फिर है घाघरा नदी तो यहां पे हमारा खत्म हो गया ट्रांस हिमालयाज ट्रांस हिमालयास हमारा खत्म यानी कि काराकोरम हम हमने पढ़ लिया लद्दाख हमने पढ़ लिया और हमने कैलाश भी पढ़ लिया अब हम आते हैं ग्रेट हिमालयास पे अब हम हिमालयास की पढ़ाई शुरू करते हैं अब हिमालयाज में आपको याद रखना है हिमालयाज को कश्मीर में बोलते हैं जंस्कार तो इसको मैं अलग नाम से आपको पढ़ाऊंगा जंस्कार लेकिन ये हिमा ग्रेटर हिमालयाजी है और कुछ नहीं है तो जंस्कार रेंज कहां है जंस्कार रेंज लद्दाख के दक्षिण में है यहां पे देखिए मैप में लद्दाख रेंज के भी नीचे है जंस्कार तो लद्दाख के साउथ में है जंस्कार और यहां पे जंस्कार नदी भी बहती है नदी का नाम भी है जंस्कार आपने देखा होगा कि इंडस नदी और जंस्कार मिलती है लद्दाख में इंडस और जंस्कार मिल जाती है तो ये जंस्कार जो रेंज है ये नीचे भी आ रही है और यानी कि उत्तराखंड तक आती है पूरी ये जो है ये उत्तराखंड है ये हिमाचल है तो जंस्कार जो रेंज है ये हिमाचल में भी आ रही है और नीचे पूरा उत्तराखंड तक आती है ये नेपाल है ये जो कंट्री है नेपाल है तो ये पूरी उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर तक नीचे तक आती है तो यहां आपको क्या क्या मिलेगा यहां पे आपको आ, माउंट कामेट यानी कामेट पर्वत चोटी मिलेगी नंदा देवी जो बायोस्फेर रिजर्व है वो मिलेगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी नंदा देवी वो मिलेगी यहाँ पे केदारनाथ का जो मंदिर है वो यहीं पे है जंस्कार रेंज में केदारनाथ इतनी ऊंचाई पे क्यों है क्योंकि वो ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा है क्योंकि जंस्कार ग्रेट हिमालयाज है फिर यहां पर लिपुलेख पास है जो मानसरोवर की यात्रा होती है मानसरोवर की यात्रा दो पास से होती है दो दर्रों से होती है एक तो है लिपू लेख पास और दूसरा है नथुला पास नथुला पास सिक्किम में है लिपुले पास पिथौरागढ़ होके जाता है उत्तराखंड तो लिपुलेख पास जो है वो मानसरोवर तक ले जाता है वो भी जंस्कार रेंज में इसके अलावा स्पीति वैली लाहौल स्पीति सुना होगा आपने हिमाचल की बात हो रही है लाहौल स्पीति वैली किन्नौर वैली अगेन हिमाचल की बात हो रही है किन्नौर ये सब संस्कार रेंज में स्पीति वैली लाहौल वैली और किन्नौर वैली और ये बहुत ऊंचाई पे हैं क्योंकि ये ग्रेट हिमालयस का हिस्सा है कश्मीर में इसे संस्कार बोलते हैं अब हम बात करते हैं बाकी चीजों की अब हम प्रॉपर हिमालयस देखते हैं तो ग्रेट हिमालयस में हमने जंस्कार को अलग से पढ़ा है क्योंकि उसका एक अलग नाम है ठीक है वरना वो ग्रेट हिमालयाज ही है तो ग्रेट हिमालयस फिर मिडल हिमालयस फिर आउटर हिमालयस जो तीन मैंने लेयर बताए ग्रेट हिमालय उसके नीचे मिडल हिमालय उसके नीचे शिवालिक या आउटर हिमालय और फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालयास देखो ग्रेट हिमालयाज जो है ये कहां से कहां तक जाते हैं ग्रेट हिमालया जो है ये नंगा पर्वत से लेके नमचा पर्वत तक जाते हैं यहां पे आप देखिए ये जो ग्रेट हिमालयाज यहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहां पे क्या है ये ये है नंगा पर्वत तो नंगा पर्वत आपको कौन से पहाड़ों में मिलेगा ये सबसे वेस्ट में मिलेगा सबसे यानी कि ग्रेट हिमालयाज में सबसे पश्चिम की तरफ जो है वो है नंगा पर्वत नंगा पर्वत भी काफी ऊंचाई पे है तो नंगा पर्वत से लेके पूरा ये क्रॉस करिए आप यहाँ पे ग्रेट हिमालयस को ये कश्मीर उसके बाद ये लद्दाख होते हुए नीचे हिमाचल उत्तराखंड नेपाल और फिर ये सिक्किम को टच करते हुए क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम में आती है उसके बाद फिर ये भूटान और पूरा अरुणाचल तक पीछे तक ये सारे हैं ग्रेट हिमालयस ग्रेट हिमालयस तो ग्रेट हिमालयस और यहाँ पे खत्म होते हैं यहाँ पे क्या है यहाँ पे नमचा बरवा है नमचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्र घूम के इंडिया आती है तो ये नमचा बरवा पर्वत है तो नमचा बरवा पर्वत भी ग्रेट ग्रेट में आता है तो ग कहां से कहां तक है लगभग 2400 किलोमीटर तक लगातार हैं ग्रेट हिमालयाज में गैप्स नहीं है बीच बीच में बहुत ही कम ना के बराबर गैप है अगर कोई पास वगैरह है तो बात अलग है वरना गैप नहीं है तो चौबीस किलोमीटर लगातार कंटिन्यूस है ये नंगा पर्वत से लेके कश्मीर में और नमचा बरुआ तिब्बत में और ये नंगा पर्वत जो है ये भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है तो ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं यानी स्नो कैप्ड रहते हैं इसलिए हम इन्हें हिमाद्री भी बोलते हैं हिम मतलब होता है बर्फ तो हिमाद्री क्यों कहा जाता है ग्रेट हिमालयास को इनकी ऊंचाई बहुत है इसलिए हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं आप देखिए इनकी जो एवरेज ऊंचाई है वो इकसठ मीटर है समुद्र तल से इकसठ मीटर सिक्सटी मीटर इनकी जो है वो ऊंचाई है और ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हैं जितने भी तीन तरह के हिमालयाज हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पे हैं ये तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी ये सब इन्हीं में आती है हाँ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू नहीं आती क्योंकि केटू काराकोरम में आती है जो ट्रांस हिमालयास में क्लियर यहां पर उसके बाद यहां पर पासिस बहुत सारे हैं जैसे लद्दाख में है जोजिला पास जोजिला पास लद्दाख और तिब्बत को जोड़ेगा फिर हिमाचल में मिलेगा बारालाचला पास और शिप ला पास ठीक है वैसे हिमाचल में एक पास और रोहतांग पास लेकिन रोहतांग पास ग्रेट हिमालय में नहीं है रोहतांग पास मिडल हिमालयाज में लेकिन बरालाचला पास जो है वो ग्रेट हिमालयाज में फिर शिपकिला पास जैसे सतलुज नदी भारत आ जाती है निकल के तिब्बत से फिर उत्तराखंड में मिलेंगे आपको थागाला नीति पास और लिपुलेक पास ये सब ग्रेट हिमालयाज में सिक्किम सिक्किम में नथुला और जलेपला दो पास हैं और अरुणाचल प्रदेश में है बोम दिला पास बोम दिला पास ये जो पहाड़ हैं ग्रेट हिमालयाज ये बने हैं ग्रेनाइट और गनीस के तो इनमें आपको क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलेंगे इसलिए बहुत मजबूत हैं ये पहाड़ इनमें आसानी से लैंडस्लाइड वगैरह उतने कॉमन नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा कठोर बहुत ही ज्यादा मजबूत चट्टाने यहां पे हैं और ग्रेट हिमालया लगातार हैं यानी कंटिग्यूअस है लगातार चलते हैं कोई इनमें गैप बहुत ज्यादा नहीं है इनमें बारिश जो है बहुत कम होती है यहां पे और बारिश यहां यहां पे जो मिडल यानी लेसर हिमालयाज है और आउटर यानी शिवालिक है उनके कंपेरिजन बारिश भी काफी कम होती है ग्रेटर हिमालयाज में तो ग्रेटर हिमालयास खत्म हो गए अब हम बात करते हैं मिडल हिमालयाज की यानी ग्रेटर हिमालयास के नीचे जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं मिडल हिमालय तो पीर पंजाल और धौलाधार ये मिडल हिमालयाज में आती है तो मिडल हिमालया को अब हम शुरू करते हैं मिडल हिमालयाज में आपको जो हाइट है ऑब्वियसली कम है मिडल हिमालयाज की हाइट कम है ग्रेटर हिमालयास से और ऐसा क्यों है इसके लिए मैं आपको एक बड़े आसान तरीके से समझाता हूं ये हैं ग्रेट हिमालयाज इनके नीचे आते हैं मिडल हिमालय और उसके नीचे आते हैं शिवालिक तो हाइट कम क्यों होती जाती है क्योंकि सबसे पहले ग्रेट हिमालयास बन रहे थे तो ग्रेट हिमालयास जब बन रहे थे धीरे 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 बन रहे थे आप जानते हैं परत बाय परत फोल्ड बाय फोल्ड और ये जब बन रहे थे तो जैसे मान लो जब वो इतना बना था यहां तक पहुंचा था बन के तो यहां से जो टूट टूट के चीजें गिरती रही साइड में गिरती रही उनसे फिर ये बनते रहे तो ऑब्वियसली इनसे तो कमी होगी हाइट क्योंकि इन्हीं का जो डिन्यूडेशन है इन्हीं से टूट टूट के चीजें गिरना इनसे घिसना जो सेडिमेंट होते हैं सिल्ट होता है ग्रेवल होता है पत्थर होते हैं तो वो जब ये बन रहे थे तो साइड में टूट के गिरते रहे तो उनसे बने उनसे बने मिडल हिमालयाज फिर मिडल हिमालय जब धीरे धीरे बन रहे थे परत बाय परत फिर धीरे धीरे जब ये ग्रो कर रहे थे तो उन्हीं से टूट टूट के साइड में तो चीजें गिरती रही उनसे बने शिवालिक तो ग्रेट हिमालयाज जो हैं हिमाद्री ये सबसे ऊंचे हैं इसीलिए जो मिडल हिमालय या जिन्हें लेसर हिमालय बोलते हैं ये उनसे कम हाइट है और जो जो शिवालिक हैं उनकी तो हाइट बहुत ही कम है जैसे अगर मैं ग्रेट हिमालय की बात करूं तो एक इकसठ सौ मीटर इनकी एवरेज हाइट है कितने ऊंचे हैं आप इमेजिन कर सकते हैं लेकिन जो मिडल हिमालय है इनकी ऊंचाई सैंतीस सौ से पैंतालीस सौ है और शिवालिक की लगभग एक हजार मीटर के आसपास है तो आ, और तीनों की ऊंचाई आप देख रहे हैं कि नौ सौ मीटर से तो ज्यादा ही है तभी हम इन्हें माउंटेन कह रहे हैं तो इनकी जो हाइट है मिडल हिमालय की वो कम है किससे ग्रेटर हिमालय से और ये डिसकंटिन्यूस भी है डिसकंटिन्यूस मतलब लगातार नहीं है बीच बीच में गैप काफी है जैसे थोड़े किलोमीटर के लिए मान लो चालीस पचास किलोमीटर के लिए लगातार पहाड़ हैं फिर काफी एरिया में नहीं है फिर दोबारा पहाड़ हैं फिर नहीं है लेकिन जो ग्रेट हैं वो एकदम लगातार हैं चौबीस किलोमीटर तक तो लेकिन मिडल हिमालय इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं क्योंकि मिडल हिमालयाज में जितने भी सबसे फेमस हिल स्टेशन है वो सारे मिडल हिमालय में आते हैं तो इनमें कौन कौन से रेंजेस हैं पीर पंजाल के पहाड़ कश्मीर में जो हैं कश्मीर में याद रखिए जो जंस्कार है वो ग्रेट हिमालय है लेकिन कश्मीर में जो पीर पंजाल है वो आ, मिडल हिमालयाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूं आपको पीर पंजाल की सबसे बड़ी श्रृंखला है मिडल हिमालयाज में क्योंकि आप जानते हैं वो लगातार नहीं है इसलिए जो श्रृंखलाएं हैं वो काफी सारी हैं तो एक श्रृंखला ये हो गई फिर थोड़े टाइम गैप आ गया फिर थोड़ी जगह पे श्रृंखला है तो कई अलग अलग श्रृंखलाएं हैं तो सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल जो कश्मीर में है फिर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में ग्रेट हिमालयाज भी हैं और मिडल हिमालयाज भी हैं तो ग्रेट हिमालयाज में तो लाहौल स्पीति किन्नौर वैली ये सब हो गए और धौलाधार जो है वो मिडल हिमालयाज है तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के जो पहाड़ हैं जो धर्मशाला वगैरह में हैं वो सारे जो पहाड़ हैं वो मिडल हिमालयाज़ हैं तो उनकी हाइट उतनी नहीं होगी जितने जितने जो उनकी है ग्रेट हिमालयाज की धौलाधार की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है फिर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो मसूरी श्रृंखला है मसूरी श्रृंखला ये मिडल हिमालयाज है फिर नेपाल में महाभारत के जो पहाड़ हैं इन्हें महाभारत श्रृंखला बोलते हैं नेपाल में है ये भी मिडल हिमालयाज है और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के जो पहाड़ हैं वो भी मिडल हिमालयाज हैं क्लियर एकदम ये एक और इंपॉर्टेंट अच्छी बात बताता हूं ये ग्रेट हिमालयाज है ये मिडल हिमालयाज हैं और ये शिवालिक हैं तो अब ये जो मिडल हिमालयाज हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी और शिवालिक हैं इनके बीच में क्या होता है जो घाटी है ये घाटी उससे भर जाती है मिट्टी वगैरह से भर जाती है और यह सपाट हो जाती है यानी जनरली घाटी की शेप वी रहती है लेकिन एक बार ये भर गई अच्छे से तो ये सपाट हो जाती है तो जब ये सपाट हो जाती है तो फिर यहाँ पे आराम से लोग रह सकते हैं घर बना सकते हैं क्योंकि पहाड़ों की जो ढलान होती है उस पर घर नहीं बनाए जा सकते लेकिन एक बार वहाँ मिट्टी वगैरह भर जाती है तो फिर वो सपाट हो जाते हैं तो फिर उसमें घर वगैरह बना के लोग रहते हैं इन्हें डून कहा जाता है यानी कि मिडल हिमालय और शिवालिक यानी आउटर हिमालय इनके बीच में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिन्हें फ्लैट वैली कहा जाता है यानी कि चपटी घाटियां तो चपटी घाटियां जब हो जाती हैं तो लोग वहां रहते हैं इन्हें डून कहा जाता है जैसे देहरादून देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है तो ये एक डून है यानी चपटी घाटी है ये राइट ऐसे ही और भी हैं जैसे पतली डून है तो कई तरह के डून यहां पर आपको मिलेंगे सबसे फेमस है देहरादून तो डून कहां मिलते हैं डून जो आपको मिलेंगे वो आपको ग्रेट हिमालय में नहीं मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मिडल हिमालया और शिवालिक के बीच में मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में पीर पंजाल के पहाड़ सबसे लंबी श्रृंखला है मिडल हिमालया की पीर पंजाल के जो रेंज है यहाँ पे झेलम नदी छेनाब नदी वगैरह बहती है और यहाँ पे कुछ फेमस दर्रे भी हैं जैसे पीर पंजाल पास है बनिहाल पास है ये जो बनिहाल पास है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है धौलाधार की अगर बात करें तो हिमाचल में है और यहाँ पे रावी नदी इनको कट करती है धौलाधार रेंज को भारत के जितने भी बड़े बड़े हिल स्टेशन हैं सबसे फेमस वो सारे के सारे जो हैं वो किस में आते हैं मिडल हिमालय जैसे शिमला मसूरी डलहौजी रानीखेत नैनीताल नैनीताल एक वैली का नाम है याद रखिए नैनीताल घाटी है, नैनी है। अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में अल्मोड़ा नैनीताल भी उत्तराखंड में है डलहौजी जो है हिमाचल में है मसूरी जो है ये उत्तराखंड में है शिमला हिमाचल में है रानीखेत जो है ये उत्तराखंड में है फिर दार्जिलिंग दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में है तो ये सारे के सारे मिडल हिमालज में आते हैं इसमें कुछ और भी घाटी है जैसे कश्मीर घाटी तो कश्मीर घाटी किसमें आती है ग्रेट हिमालयाज में कि हिमालय में मिडिल हिमालय में आती है उसी तरह से कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली जो दोनों वैली हैं एक कांगड़ा वैली और एक कुल्लू वैली ये भी मिडल हिमालिया में आती हैं लेकिन लाहौल वैली स्पिति वैली और किन्नौर वैली ये ग्रेट हिमालयाज में आती हैं तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा अब हमने ग्रेट हिमालयाज को पढ़ लिया है मिडल हिमालयाज को पढ़ लिया है अब हम आते हैं शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय उसके लिए दोबारा मैप देखेंगे यानी ये ग्रेट हिमालयाज पढ़ लिया है मिडल पढ़ लिया है अब सबसे बाहर वाले शिवालिक सबसे नीचे की तरफ जो है वो शिवालिक हैं तो शिवालिक तो उनकी उतनी हाइट नहीं है यानी जो उनकी एवरेज हाइट है वो सिर्फ 900 से 1100 मीटर है तो काफी कम है तो सबसे बाहर वाले यानी आउटर मोस्ट इन्हें इसलिए आउटर हिमालयाज या शिवालिक बोलते हैं तो शिवालिक कहां से कहां तक जाते हैं ये जम्मू कश्मीर से असम तक जाते हैं यानी पूरा आगे तक नहीं जाते अरुणाचल तक असम तक ही जाते हैं बस ये जम्मू कश्मीर से असम क्योंकि ग्रेट और मिडल हिमालय जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक जाते थे ये आ, सेडिमेंट्स वगैरह के बने हैं जो भी सेडिमेंट नदियां वगैरह लेके आई हैं मेन हिमालयाज रेंजेस से जो बड़े हिमालयाज हैं उनसे उन्हीं के सेडिमेंट वगैरह से बने हैं तो इनमें ग्रेवल और एलोवियम देखने को मिलता है अलोवियम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को जो मिट्टी नदी अपने साथ लाती है उसे अलोवियल सॉइल बोलते हैं तो अलोवियल सॉइल में दो तरह का अलोवियम होता है ओल्ड अलोवियम और न्यू अलोवियम तो आपने खादर या बांगर सुना होगा तो खादर और बांगर उन्हें कहा जाता है दो तरह का अलोवियम होता है फिर इनके भी अलग अलग नाम है जैसे शिवालिक्स को जम्मू में जम्मू में बोलते हैं जम्मू हिल्स तो जो फेमस जम्मू हिल्स हैं वो कुछ नहीं है शिवालिक ही हैं वो अरुणाचल प्रदेश में डफला मीरी डफला पहाड़ियां मीरी की पहाड़ियां अबोर या मिशमी हिल्स ये सारे शिवालिक हैं उत्तराखंड में ढांग रेंज और दुंदवा दुंदवा जो रेंज है डूडवा ये पूरी नेपाल बॉर्डर तक जाती है थोड़ी बहुत यूपी में भी एक्सटेंड करती है डूंढवा रेंज नेपाल में चूरिया घाट हिल्स ये सारे के सारे शिवालिक के अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे तो अब हमने हिमालया पूरी तरह से जो है खत्म कर लिए हैं अब हम आते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ियां हैं और ये बहुत खूबसूरत मैप हमारी टीम ने तैयार करा है इसमें इतना आसान हो जाएगा आपके लिए आ, ये देखना कि कौन सा क्या है पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट को याद रखिए देखो नॉर्थ ईस्ट में ये जो बादल जैसी शेप का है ये मेघालय है तो मेघालय में तीन तरह की हिल मिलेंगे आपको गारो खासी और जयंतिया गारो खासी और जयंतिया ठीक है फिर ये आसाम है जो बीच में है येलो कलर का इसमें मिकिर की पहाड़ियां आपको मिलेंगी और ये एक्चुअल लोकेशन है जो इनकी है अरुणाचल में पांच तरह के पहाड़ हैं एक तो है डफला फिर है मीरी फिर है आबोर और फिर है मिशमी मिशमी फिर ये जो म्यांमार बॉर्डर पे एकदम पहाड़ियां इनको बोलते हैं पटकई बम और पटकई बम भी अरुणाचल में है डफला मीरी आबोर मिशमी और पटकई बम उसके बाद नागालैंड में है नागा की पहाड़ियां मणिपुर में है ईस्ट मणिपुरी हिल और मिजोरम में है मिजो हिल जिन्हें लुशाई हिल भी बोलते हैं तो आप इनको मीजी मीजो हिल बोल लो या लुशाई हिल बोल लो बात एक ही है त्रिपुरा में कोई खास पहाड़ियां नहीं है ये त्रिपुरा है तो त्रिपुरा में कोई कुछ नहीं है ये बांग्लादेश है और ये बंगाल है तो बंगाल में सिर्फ बस दार्जिलिंग वगैरह में पहाड़ियां हैं कलिमपोंग वगैरह में पहाड़ियां हैं और दार्जिलिंग में जो पहाड़ियां हैं वो हम देख चुके हैं वो मिडल हिमालयाज की पहाड़ियां हैं तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे के सारे जो हिल हैं डफला मीरी अबोर मिशमी और पटकाई बम अरुणाचल में है और यहां पे मैंने लिख दिए हैं तो इसमें बस आपको नाम याद रखने आपके लेवल के लिए इतना ही जरूरी है इससे ज्यादा नहीं आता है आपसे सीधा क्वेश्चन आता है पटकई बम पहाड़ियां का अरुणाचल म्यांमार बॉर्डर पे हैं फिर डफला मिशमी आबोर आ, मीरी मीकर और मीरी में कंफ्यूज मत होना मीरी जो है अरुणाचल में है मीकर जो है वो आसाम में है फिर मेघालय मेघालय में गारो खासी और जयंतिया नागा हिल्स नागालैंड में है और नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सरामती सरामती देखने जाना है तो नागालैंड जाना पड़ेगा और मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां या लुशाई की पहाड़ियां बोलते हैं याद रखिए इनमें सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन ब्लू माउंटेन जिसकी ऊंचाई सिर्फ दो मीटर है तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो सबसे ऊंची चोटियां भी हैं वो काफी मतलब कम हाइट की हैं जैसे नागा हिल्स में सबसे ऊंची चोटी सिर्फ तीन मीटर ऊंचाई है और इसी से आप पता लगा सकते हैं कि जो ये पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व की ये सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी है सेडिमेंट्री रॉक्स अब यहां पे हमने क्या क्या खत्म कर लिया देखते हैं हमने पूरा का पूरा नॉर्थ सारा ढंग से पढ़ लिया है ट्रांस हिमालियाज हिमालियाज सब अच्छे से पढ़ लिया है और हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ लिया है अब बचा है हमारा मेन लैंड इंडिया तो अब हम शुरू करते हैं मेन लैंड इंडिया तो पहले पढ़ते हैं अरावली की पहाड़ियां तो अरावली की पहाड़ियां कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना मैं आपको बता देता हूं कैसे है देखो यहां दिल्ली है यहां कहीं दिल्ली है तो दिल्ली से शुरू हो जाओ दिल्ली से शुरू होती हैं और ये दक्षिण नीचे की तरफ और पश्चिम की तरफ जाती हैं और गुजरात तक जाती हैं तो ये हैं अरावली की पहाड़ियां यानी कि दिल्ली फिर हरियाणा को क्रॉस करती हैं और हरियाणा में जो गुड़गांव फरीदाबाद वगैरह ये सब जो एरिया है उसके बाद ये जाती हैं राजस्थान और फिर गुजरात में जाके ख़त्म हो जाती हैं तो इनकी डायरेक्शन क्या है इनकी डायरेक्शन है नीचे यानी दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं ठीक है थीके? ये हैं अरावली की पहाड़ियां तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं इन्हें ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन बोलते हैं सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन है ये अब इन्हें रेजिडोल माउंटेन कहा जाता है दिल्ली से शुरू होती हैं फिर ये दक्षिण हरियाणा से पास होके राजस्थान से गुजर के और गुजरात में ख़त्म हो जाती हैं तो लगभग आठ सौ किलोमीटर लगातार हैं ये पहाड़ियां लेकिन एकदम लगातार नहीं है इनमें गैप बहुत ज्यादा है जैसे थोड़ी सी हैं फिर काफी देर तक नहीं आएंगी फिर आप देखेंगे कि और हिल्स हैं वैसे भी इनकी हाइट बहुत कम है आप देख सकते हैं इनकी हाइट सिर्फ चार सौ छह सौ एवरेज है और ये गुजरात में पूरी पालनपुर तक जाती है ठीक है दिल्ली से गुजरात जाती है हरियाणा और राजस्थान होकर और इनकी एवरेज हाइट है सिर्फ चार से छ इनमें सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो माउंट आबू में है गुरु शिखर यहां पे एक फेमस मंदिर भी है माउंट आबू में जिसको दिलवारा मंदिर बोलते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है तो गुरु शिखर की हाइट आपको याद रखनी है 1722 मीटर तो ये है अरावली की पहाड़ियां तो अरावली में बस इतना ही है अब हम बात करते हैं विंध्या और सतपुरा जो हमारे ब्लॉक माउंटेन है भारत में दो एक तो विंध्या और एक सतपुरा अब इनमें एक चीज याद रखिए शुरू कहां से होते हैं तो ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया इस मैप के अंदर देखिए यहां से ये गुजरात है ये तो पता है आपको आपको स्टेट्स बताऊंगे ये गुजरात है ये मध्य प्रदेश है और फिर ये छत्तीसगढ़ है झारखंड है ऊपर बिहार है और ये जो है ये उत्तर प्रदेश है तो ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे ये ये क्या है सोनभद्र ऊपर मिर्जापुर इलाहाबाद ये वो वाला एरिया है और ये नीचे छत्तीसगढ़ है अब यहाँ पे विंध्या देखते हैं पहले विंध्या फिर सतपुरा तो पहले विंध्या देखते हैं ये गुजरात है ठीक है ये गुजरात है तो ये गुजरात में शुरू हो रहा है विंध्या के पहाड़ फिर ये जा रहे हैं नॉर्थ मध्य प्रदेश तो इसमें जो ये बुंदेलखंड वाला इलाका है जो यूपी से लगता है वहां ये जा रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पे जो शिवपुरी का इलाका है फिर ये आगे आ जाओ दतिया वगैरह ये सब जो एरिया है फिर ये पूरा विंध्या चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थान है तो ये राजस्थान को भी छू रहा है यानी राजस्थान में हम ये नहीं कह सकते कि विंध्या की पहाड़ियां नहीं है बहुत कम लेकिन नीचे बॉर्डर है बिल्कुल है तो यानी कि गुजरात राजस्थान बॉर्डर और मध्य प्रदेश बॉर्डर यहां से स्टार्ट हो रही हैं विंध्या की पहाड़ियां फिर मध्य प्रदेश को क्रॉस कर रही हैं और मध्य प्रदेश को क्रॉस करके फिर आगे घुस रही हैं कहां तक घुस रही हैं अब ये देखो ये बिहार है ऊपर तो ये आगे दो भाग में वो हो जाती है नीचे झारखंड और ऊपर बिहार तो बिहार में ये कौन सा जिला है थोड़ी बहुत आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए ये जो जिला है कैमूर का जिला है और ये रोहतास है यानी कि गुजरात में यहां से शुरू हुई बॉर्डर से और पूरी बिहार तक गई किसको क्रॉस करते हुए पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए यूपी को छूते हुए तो यूपी में आप देख सकते हैं कि जो सोनभद्र है और ये जो मिर्जापुर और ये इलाहाबाद वगैरह यहां भी ये पहाड़ियों का वर्चस्व है और नीचे छत्तीसगढ़ को भी छू रही है तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत घुस रही है ये और झारखंड और बिहार में भी घुस रही है तो बिहार में सासाराम जो है वहां तक जाती है सासाराम जिले तक जाती है विंध्या की पहाड़ियां क्लियर है अब आते हैं नीचे देखते हैं सतपुरा की पहाड़ियां और आप जानते हैं ब्लॉक माउंटेन है ये तो ब्लॉक माउंटेन में रिफ्ट वैली होगी तो रिफ्ट वैली जो होती है उसमें नदियां बहती हैं तो विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है नर्मदा नदी तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है कहीं पे यहां से अनूपपुर जिले में आता है वहां से फिर ये विंध्या और के बीच में विंध्या जो नदी वो विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी फिर जो है वो अरब सागर में गिर जाती है और सतपुरा की सतपुरा तो सतपुरा जो है ये कहां से शुरू हो रहा है आप ध्यान से देखिए ये भी गुजरात से शुरू हो रहा है ये गुजरात दक्षिण गुजरात है ये ये जो इलाका है दक्षिण गुजरात और फिर ये मध्य प्रदेश और नॉर्थ महाराष्ट्र इनको छू रहा है इन यहां पे एक्सटेंड कर रही है और फिर ये खत्म हो रही है यहां पर जाके यानी कि छत्तीसगढ़ में जाके रिपीट करता हूं विंध्या की पहाड़ियां गुजरात में शुरू हुई और मध्य प्रदेश को क्रॉस करके बिहार में खत्म हो गई सतपुरा की पहाड़ियां गुजरात में शुरू हुई और पूरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नॉर्थ महाराष्ट्र को क्रॉस करके फिर यह छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई अब आपने विंध्या की जो पहाड़ियां हैं वो देख लिया कहां है सतपुरा की पहाड़ियां देख लिया कहां है एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए विंध्या ऊपर है सतपुरा नीचे है कहां से शुरू हो रही है कहां पे खत्म हो रही है परंतु अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इनके जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे देखते हैं पहले विंध्या देखते हैं विंध्या के तो कोई ज्यादा नाम नहीं है विंध्या ही बोलते हैं हर जगह इन्हें विंध्या ही बोलते हैं परंतु जब ये बिहार में घुस जाती है ये बिहार है तो जब ये बिहार में घुस जाती है तो ये जिला कौन सा है कैमूर और ये कौन सा है सासाराम तो वहां उन्हें कैमूर की पहाड़ियां बोलते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वो कहां है तो आंसर है बिहार दूसरा अगर कैमूर की पहाड़ियां जो है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है तो आंसर है विंध्या की पहाड़ियों का हिस्सा है कैमूर की पहाड़ियां कोई डाउट यहां पे अब आते हैं सतपुरा की पहाड़ियों पे देखो सतपुरा की पहाड़ियों के अलग अलग नाम है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेन पार्ट है इसका जो सतपुरा की पहाड़ों का मेन पार्ट है उसे बोलते हैं महादेव उसे बोलते हैं महादेव फिर सतपुरा की पहाड़ियां जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होके छत्तीसगढ़ में घुस जाती हैं ये छत्तीसगढ़ है तो यहां इन्हें बोला जाता है मैकाल मैकाल और गुजरात में दक्षिण गुजरात में जब ये होती हैं तो इन्हें बोला जाता है राजपिपला राजपिपला अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राजपिपला की पहाड़ियां कहां हैं तो आप कहेंगे गुजरात महादेव की पहाड़ियां कहां हैं तो महादेव की पहाड़ियां जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नॉर्थ महाराष्ट्र में और मैकाल की पहाड़ियां कहां है मैकाल की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में पर यह सब किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये सब की सब सतपुरा का हिस्सा है वेरी इंपॉर्टेंट और कैमूर किसका हिस्सा है कैमूर विंध्या का हिस्सा है ये आपको बताना जरूरी था और आप जानते हैं विंध्य और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और वो गिरती है अरब सागर में और सतपुरा के दक्षिण में बहती है तापी नदी और वो गिरती है अरब सागर में कोई डाउट सतपुरा के दक्षिण में तापी नदी बहती है अरब सागर में गिरती है और विंध्य और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और वो अरब सागर में गिरती है तो नर्मदा और तापी गिरती है अरब सागर में ये दो नदियां और बाकी सारी जो है दक्षिण भारत की नदियां वो गिरती हैं पश्चिम बंगाल में जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी उनको हम नदियों में डिटेल में पढ़ेंगे पहले विंध्या देखते हैं तो विंध्या कहां से कहां जाता है विंध्या जो है साउथ गुजरात से सासाराम इन बिहार तक 1200 किलोमीटर तक लगातार पहाड़ियां हैं ये इनकी जो ऊंचाई है बहुत कम है 300 से 650 मीटर है 300 से 650 मीटर है ये पहाड़ियां और भारनेर हिल और कैमूर हिल इनकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है तो कई बार ये भी पूछते हैं भारनेर हिल कुछ नहीं है भारनेर हिल विंध्या की पहाड़ियों का ही नाम है भारनेर हिल और कैमूर हिल भी विंध्या की पहाड़ियों का नाम है बिहार में विंध्यास को कैमूर हिल बोलते हैं इन विंध्या की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सदभावना शिखर जिसे गुडविल पीक अंग्रेजी में बोलते हैं इसकी ऊंचाई है दो फीट या सेवन मीटर सेवन मीटर सतपुरा सतपुरा को सतपुरा क्यों बोलते हैं क्योंकि सतपुरा रेंज है यहां पे सात पहाड़ हैं बड़े बड़े सात चोटियां हैं तो इसलिए सत सत मतलब सात सातपुरा सात पहाड़ों का श्रृंखला तो सतपुरा इसलिए बोलते हैं सतपुरा नेशनल पार्क भी है यहां पे तो ये कहां से कहां तक जाती है ये जो है ये गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को टच करते हुए यह छत्तीसगढ़ तक जाती है तो इन्हें वेस्ट में यानी गुजरात में बोलते हैं राजपिपला उसके बाद इन्हें बोलते हैं महादेव और फिर बोलते हैं है मैकाल लगभग 900 किलोमीटर यह लगातार चलती हैं सतपुरा की पहाड़ियां इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव की पहाड़ियों में आती है और उसका नाम है धूपगढ़ 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 की ऊंचाई है 1350 मीटर और यह पंचमढ़ी में है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश क्लियर है तो अब हमने विंध्या भी पढ़ लिया सतपुरा भी पढ़ लिया अब बचे हैं बस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखो वेस्टर्न घाट अब कहां से कहां तक जाते हैं बड़ा आसान है यहां डायग्राम में देखो पश्चिमी घाट जो है दक्षिण गुजरात से शुरू हो रहे हैं फिर पूरा महाराष्ट्र क्रॉस कर रहे हैं फिर गोवा कर्नाटका और नीचे पूरा केरल नीचे कन्याकुमारी तक कोई डाउट और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जो है ये उड़ीसा से शुरू हो रहे हैं उसके बाद ये आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बाद ये ये जो है तेलंगाना है तो तेलंगाना को छूते हुए नीचे आ जाइए नीचे फिर ये यहां पे तमिलनाडु और फिर ये केरला में घुस रहे हैं कर्नाटका में भी घुस रहे हैं तो ये है ईस्टर्न घाट ये है वेस्टर्न घाट ये है ईस्टर्न घाट फर्क क्या है फर्क ये देखो घाट कुछ नहीं होता पहाड़ियों को घाट बोलते हैं पहाड़ घाट शब्द से कंफ्यूज मत हो घाट कुछ नहीं है घाट है पहाड़ियां बस खत्म ठीक है फर्क ये है कि जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर से लगते हैं और जो ईस्टर्न घाट है वो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं सबसे पहला फर्क तो ये है दूसरा पश्चिमी घाट है वो लगातार है इनमें गैप बहुत कम है लेकिन जो ईस्टर्न घाट है इनमें गैप काफी है बीच बीच में जैसे यहां कहीं पहाड़ी आई फिर कुछ समय तक नहीं आई फिर आ गई फिर नहीं आई फिर आई लेकिन पश्चिमी घाट लगातार है इनमें गैप बहुत कम है ईस्टर्न घाट जो है वो लगातार है पश्चिमी घाट जो है उनकी ऊंचाई अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाए तो बढ़ती है इसीलिए जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो एकदम दक्षिण में है यहां पर जैसे बोलते हैं अनाई मुड़ी अनाई मुड़ी तो अनाई मुड़ी जो है वो एकदम नीचे है क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अगर हम गुजरात से कन्याकुमारी तक देखें तो गुजरात से बिल्कुल नीचे तक एकदम बढ़ती है लगातार लेकिन ईस्टर्न घाट में उल्टा है ईस्टर्न घाट की ऊंचाई उत्तर जाने से बढ़ती है तो इसलिए ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकदम यहां पर है उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर पे जिसे बोलते हैं अरमाकोंडा अरमाकोंडा तो आइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को शुरू करते हैं यहां पे और अच्छे से दिखाया गया है ये देखिए पश्चिमी घाट एकदम लगातार है इनमें गैप बहुत कम है तो पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं कोड़ा चौदरी कोड़ा चौदरी कर्नाटक में है नीलगिरी नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ये पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं डोडा बेटा चोटी है पहाड़ की अनाईमुड़ी भी चोटी है फिर ईस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में शेवरॉय जवाड़ी की पहाड़ियां शेवरॉय की पहाड़ियां पालकोंडा की पहाड़ियां नल्ला मल्ला की पहाड़ियां ये सारी जो है ये ईस्टर्न घाट और आप देख सकते हैं बीच बीच में गैप बहुत ज्यादा है यहां पे है फिर यहां नहीं है फिर यहां है फिर यहां नहीं है फिर यहां भी नहीं है और ये एरिया है जहां पे ये मिल जाती हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की इसे नीलगिरी हिल कहा जाता है क्लियर बाकी हम यहां पे ये भी देखेंगे जैसे आप देख रहे हैं कि की पहाड़ियों में ये गावलीगढ़ हिल हैं। तो ये गावलीगढ़ कुछ नहीं है उनका लोकल नाम रख दिया महाराष्ट्र में इस तरह के जो थोड़े बहुत नाम होते हैं वो मैं आपको एंड में बता दूंगा जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जाट हिल घर की पहाड़ियां उड़ीसा में है तो ये मैं नाम आपको एक स्लाइड में बता दूंगा तो वेस्टर्न घाट जो है इन्हें महाराष्ट्र और कर्नाटका में सहयाद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में सयादरी कहा जाता है नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो केरल और तमिलनाडु में हैं यह भी नीलगिरी की पहाड़ियां भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है क्लियर लेकिन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पे फिर केरला में कार्डमम हिल यानी इलायची की पहाड़ियां वो भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है यहां पे इलायची की खेती बहुत होती है कार्डमम हिल कहा जाता है और केरल में अनाई अन्ना मलाई की पहाड़ियां यहाँ पर अनाई मुड़ी है तो अन्नामलाई की पहाड़ियां भी वेस्टर्न घाट का हिस्सा है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसके बाद अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट में और पूरे पेनिंसुलर इंडिया में अनाईमुढ़ी की ऊंचाई है दो हजार छह सौ मीटर अनाईमुड़ी जो है यहां पर तीन पहाड़ियां मिलती हैं एक तो अन्नामलाई हिल जो केरल से आती है पल्ली हिल जो तमिलनाडु की तरफ से आती है और कार्डमम हिल जो केरल से आती है दक्षिण केरल से तो अना अन्नामलाई की पहाड़ियां भी पश्चिमी घाट है कार्डमम हिल इलायची की पहाड़ियां भी पश्चिम घाट है और पलनी हिल जो है तमिलनाडु से जो आती है केरल की तरफ यह भी पश्चिम घाट है तो पल्ली हिल्स भी पश्चिम घाट का हिस्सा है फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है पल्ली हिल्स और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा तो दो हजार छह सौ सैतीस सबसे ऊंची है डोडा बेटा जो है ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट्स की उसके बाद नीलगिरी आप जानते हैं ये बहुत फेमस यहाँ पे बायोस्फेयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्ेयर रिजर्व जो भारत का पहला बायोस्फेर रिजर्व था यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं नीला नील मतलब नीला नीला होता है ब्लू ब्लू माउंटेन कहा जाता है इन्हें और जो पश्चिम घाट है ये पूरे के पूरे पश्चिम घाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पूरे पश्चिम घाट इसके अलावा ये जो घाट है इनमें गैप भी आपको मिलेंगे तो मैं आपको वो एक मैप पे दिखाता हूं पश्चिम घाट में जो तीन गैप हैं दर्रे पास एक तो है थाल घाट थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं दूसरा है भोर घाट और तीसरा है पलक्कड़ गैप जिसे पाल घाट भी बोलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं तालघाट तालघाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है जो भोर घाट है यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है मैं रिपीट करता हूं जैसे यह है ठीक है अब यहां पे एक घाट यहां है दूसरा यहां है और तीसरा एकदम नीचे पलक्कड़ में तो थाल घाट भोर घाट थाल घाट को कसारा घाट भी बोलते हैं तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है और जो भोर घाट -e -e है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है उसके बाद यह है पाल घाट तो पाल घाट भी इंपॉर्टेंट है पालघाट कोची को कोयम्बटू से जोड़ता है यानी केरल को केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है कोची केरल में कोयम्बटू तमिलनाडु में है इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पालघाट को पलक्कड़ गैप बोलते हैं अगर मैं तट की बात करूं तो यहां पर मैं तट दिखा देता हूं आपको घाट की बात कर रहे हैं तो तट की बात भी कर लेते हैं अब यहां पर तट क्या होता है समुद्र से लगता हुआ जो जमीन होती है उसे तट बोलते हैं तो यहां पर ये देखिए गुजरात है ये महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का हिस्सा और गोवा का हिस्सा महाराष्ट्र और गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट कोंकण फिर नीचे ये कर्नाटक है तो कर्नाटक का कुछ हिस्सा जो है उसे कनारा कोस्ट बोलते हैं जिसमें उडुपी जिला आता है या दक्षिण कन्नड़ या उत्तर कन्नड़ जिला आता है और बाकी कर्नाटक का बाकी हिस्सा और केरल इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट तो ऊपर है कोंकण कोस्ट फिर है कनारा कोस्ट फिर है मालाबार कोस्ट अब इस तरफ आ जाओ तमिलनाडु पूरा पूरा तमिलनाडु और आंध्रा का कुछ हिस्सा इसे मिला बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट और आंध्रा का कुछ हिस्सा और पूरा उड़ीसा इसे मिला के क्या बोलते हैं इसे मिला के बोलते हैं नॉर्दन सरकार नॉर्दन सरकार और उड़ीसा सिर्फ अगर उड़ीसा का देखें तो इसे बोलते हैं उत्कल कोस्ट उत्कल कोस्ट तो यहां पे वही लिखा है महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसे बोलते हैं कोंकण कोस्ट कर्नाटका वाले को बोलते हैं कनारा कोस्ट और मालाबार कोस्ट बोलते हैं केरला और कर्नाटक के कोस्ट को बहुत सारी नदियां जो है पश्चिम घाट से निकलती हैं जैसे गोदावरी नासिक से निकलती है कावेरी काल कावेरी से निकलती है कृष्णा नदी और तुंगाभद्रा नदी तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वेस्टर्न घाट से निकलती हैं उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट की तो पूर्वी घाट में और पश्चिम घाट में मेन फर्क क्या है पहला तो फर्क हाइट का है पश्चिम घाट की हाइट ज्यादा है ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट की कम है पहला फर्क दूसरा पश्चिम घाट लगातार है और पूर्वी घाट जो है वो वो बीच बीच में डिसकंटिन्यूस है थोड़ी पहाड़ियां आई फिर नहीं आई फिर थोड़ी आ गई इस तरह से पूर्वी घाट पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण तक बढ़ती है पूर्वी घाट की दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है तो यही यहां पे लिखा है और जो पूर्वी घाट है वो उड़ीसा से शुरू हो जाता है और फिर वो तमिलनाडु तक जाता है इसके अलग अलग नाम है जैसे पहाड़ियों के जैसे नल्ला मलाई मैं आपको दिखा देता हूं ये पहाड़ियां देखिए पूर्वी घाट की पहाड़ियां देखिए तो ये जो नल्लामलाई और पालाकोंडा है ये कहा है आंध्रा में है और शेवरोय और जवाड़ी कहाँ है तमिलनाडु में तो बस यही लिखा है यही लिखा है यहाँ पे जवाड़ी और शेवरॉय तमिलनाडु में है और नल्लामलाई और पालाकोंडा जो है वो आंध्रा में है तो अगर मैं पूछूं जवाड़ी हिल्स जो है वो किसका हिस्सा है और चार ऑप्शन दे दूं विंध्या सतपुरा पश्चिम घाट या पूर्वी घाट तो आंसर है पूर्वी घाट जवाड़ी जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट में आती हैं और अरमाकोंडा सबसे ऊंची चोटी है इसकी कई किताब कई पुरानी किताबें महेंद्र गिरी बोलती है वो गलत है आंसर है अरमाकोंडा अरमाकोंडा की ऊंचाई है सोलह सो मीटर और यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और यह आंध्र प्रदेश में आती है फिर नॉर्दर्न सरकार किसको बोलते हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा ओडिशा पूरा है इसमें और आंध्र का कुछ हिस्सा है यानी महानदी और कृष्णा नदी के बीच जो तट आता है उसे बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार और जो कृष्णा और कावेरी के बीच में जो तट आता है उसे बोलते हैं कोरमंडल कोस्ट जिसमें आंध्र का कुछ हिस्सा और पूरा तमिलनाडु आता है फिर कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनके पास आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये वही लोकल लोग नाम रख देते हैं बस वो वाली बात है तो महाराष्ट्र में जैसे गावली गाविलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं गाविलगढ़ फिर महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां हैं ओडिशा में गर गरझाट पहाड़ियां हैं गरजाट तमिलनाडु में सिरुमलई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियां और तमिलनाडु में वरुसनांडू पहाड़ियां वरुसनाडु पहाड़ियां शेषाचलम की पहाड़ियों में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है तिरुमाला तिरुमाला जिसे बोलते हैं भगवान लॉर्ड वेंकटेश्वर का मंदिर जो है वो शेषाचलम की पहाड़ियों में तो बस ये बस नाम याद रखने आपको ये कुछ और छोटी पहाड़ियां हैं जो बिल्कुल लोकल लोग नाम रख देते हैं बस ये वो हैं बाकी कोई एग्जाम रेलेवेंट बस इनके नाम आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में आ सकता है वैसे इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हम करेंगे माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड तो जो भारत के माउंटेन हैं भारत के जो पर्वत हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन दुनिया के बहुत सारे पर्वत हैं माउंटेन हैं जो हमें पढ़ने हैं तो ये स्टैटिक जीके का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले ये समझते हैं कि माउंटेन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं तो माउंटेन तीन तरह के होते हैं एक वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं जो हमने वॉल्केनो में देखा वोल्केनो ज्वालामुखी होता है एक होते हैं फोल्ड माउंटेन और एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन तो जो मेन है वो है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन तो ये दोनों जो है ये क्रिएट कैसे होते हैं तो यहां पर देखते हैं पहले देखिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो फोल्ड माउंटेन होता है वो तब क्रिएट होता है जब दो प्लेट आपस में पास आती हैं, ठीक है थीके? तो जैसे कि आप यहां पे देखिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है तो ये दोनों पास आ रही हैं और फिर उसके बाद जो हैवी वाली प्लेट होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है और कई बार वो जब नीचे की तरफ जाती है तो सब डक्शन भी होता है यानी वो पिघल जाती है ठीक है जिस केस में वोल्केनो बनता है वोल्केनो का जो मैग्मा है वो उसी वजह से बनता है और जो लाइट वाली प्लेट है वो ऊपर की तरफ जाती है फोल्ड बनाती है ठीक है तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं मान लीजिए आपने तीन चार तोलिया रख दिए हैं एक के ऊपर एक टावल रख दिए हैं अगर आप इनको दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ये एक फोल्ड फिर ये दूसरा फिर ये तीसरा और ये चौथा इस तरह से ये आ, इधर से भी आप इधर से भी कंप्रेस करेंगे तो ये तोलिए इस तरह से एक के ऊपर एक राइज करते जाएंगे परत बाय परत तो ये है फोल्ड माउंटेन ठीक है फोल्ड माउंटेन और एक होते हैं जो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बनते हैं अब अगर ये दो प्लेट हैं और एक दूसरे से ये दूर जाएंगी तो यानी कि इनके अंदर टेंशन वाला फोर्स होगा तो उसकी वजह से बनते हैं उसकी वजह से बनते हैं ब्लॉक माउंटेन तो ब्लॉक माउंटेन कैसे बनेंगे ब्लॉक माउंटेन बनते हैं मान लीजिए ये प्लेट है तो इसमें कुछ फॉल्ट आ जाएंगे ठीक है धरती की जो प्लेट है अर्थ में बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिनसे मिलकर धरती बनती है हमारी जो अर्थ है वो एक हमारा जो क्रस्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है वो बहुत सारी प्लेट से मिलकर बना है जिनमें कुछ ओशियनिक प्लेट्स हैं और कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो ये एक प्लेट है मान लीजिए इसमें फॉल्ट आ गया इस तरह से तो यहां पे आप देख सकते हैं ये ये इसमें जो फॉल्ट लाइंस हैं ये फॉल्ट लाइन है अब इसमें क्या होगा यहां पे अगर फॉल्ट लाइन आ गई तो ये आइसोलेटेड ब्लॉक बन जाएंगे एक ब्लॉक ये बन गया एक ब्लॉक ये बन गया एक ये बन गया और एक ये तो इसमें कुछ नीचे जाएंगे कुछ ऊपर रह जाएंगे जैसे अब यहां पर देखिए ये वाले जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जा रहे हैं ठीक है थिके? तो जो ये ऊपर वाले बच गए ये माउंटेन बना देंगे अगर ये वाले नीचे जाते ये वाले ऊपर आते तो फिर ये वाले माउंटेन बना देते तो ये बड़ा आसान है समझना इसमें मान लीजिए इस तरह से देखते हैं ये तीन ब्लॉक है ये वन टू और थ्री ये जो सेकंड वाला है ये नीचे की तरफ जा रहा है तो वन और थ्री वाले ऊपर हो गए तो ये माउंटेन रह गए और अगर ये दोनों नीचे जाएंगे ये ऊपर जाएगा तो ये वाला माउंटेन हो जाएगा यानी जब हमारी अर्थ में जो फॉल्ट है उनकी वजह से माउंटेन बनते हैं तो वो ब्लॉक माउंटेन होते हैं और ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं वो टेंशन वाले फोर्सेस की वजह से होते हैं जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं ठीक है और जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आ रही होती हैं यानी कंप्रेशन वाले फोर्सेस की वजह से बनते हैं ये मेन डिफरेंस है तो वहीं यहां पे लिखा है फोल्ड माउंटेन पहले देखते हैं फोल्ड माउंटेन बनते हैं फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स की वजह से जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ आती है तो उससे जो लेयर्स ऑफ द अर्थ है उनकी फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है हिमालयाज एल्प अरावलीज वगैरह

और नीचे की तरफ जो जा रहे हैं इन्हें ग्रेबन बोलते हैं और ये फिर हॉर्स जो है ये पूरे माउंटेन बन जाते हैं इनके एग्जाम्पल हैं जैसे राइन वैली और वॉजिज माउंटेन जो यूरोप में है ये एग्जाम्पल है भारत में भी जो विंध्या और सतपुरा है ये ब्लॉक माउंटेन है तो ये तो आ, आपका हो गया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि भाई ब्लॉक माउंटेन और वोल्ड माउंटेन क्या होता है अब दुनिया की सबसे ऊंची जो पहाड़ों की चोटी है वो कौन सी है तो टॉप टेन आपको पता होनी चाहिए ठीक है दुनिया सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट आठ मीटर और ये एक बात याद रखिए तो, तो इसीलिए जो फोल्ड है वो आज भी उनकी जो हाइट है वो बढ़ रही है ठीक है जब नए फोल्ड बनेंगे तो हाइट और बढ़ जाएगी जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट है अगर आप आज देखें तो आठ के आसपास है ठीक है पॉइंट लगभग तो ये जो नई हाइट है ये बड़ी कैसे 86 सिक्स सेंटीमीटर क्योंकि ये जो प्लेट्स जब टकराई थी आपस में तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही थी ये आज भी कर रही उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की केटू केटू जो है हिमालयाज में नहीं है ये काराकोरम के पहाड़ों में है तो ये काराकोरम रेंज में है और आप देख सकते हैं दुनिया की दस सबसे ऊंची चोटी जो है उनमें से नौ हाइएस्ट पीक जो है दस उनमें से नौ जो है वो हिमालयाज में है तो नो डाउट हिमालयाज दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है फिर कंचनजंगा ये तीसरी सबसे ऊंची है दुनिया की यह कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है यह भी ध्यान रखिए और यह जो है हिमालयाज में है यह भी उसके बाद लोहट से लोहट से जो है ये अः ये भी ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है हिमालयाज में है फिर मकालू है और फिर चो ओयू धौलागिरी मनसलू नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखनी है टॉप टेन इनकी एकदम एग्जैक्ट पता होनी चाहिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कम से कम शुरू के पांच तो आपको हर समय पता होने चाहिए कि सबसे पांच ऊंची चोटी कौन सी है और इनमें ज्यादातर जो है वो नेपाल चाइना बॉर्डर या इंडिया चाइना बॉर्डर पे है ठीक है के जो है वो इंडिया में है के इंडिया में है वैसे डिस्प्यूटेड एरिया में आती है आज की तारीख में लेकिन हम क्योंकि इंडियंस हैं तो हम कहेंगे हमारे जो एरिया है उसमें है ठीक है के टू के टू और नंगा पर्वत भी चलिए अब दुनिया के आ, सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है देखो माउंटेन और माउंटेन रेंज में फर्क क्या होता है पहले यह समझो माउंटेन मतलब एक पहाड़ माउंटेन रेंज मतलब श्रृंखला तो ल, जो पहाड़ होते हैं श्रृंखला पूरी की पूरी अब ये जरूरी नहीं है कि ये पर्वत की श्रृंखला लगातार हो जैसे अगर आप देखें इनमें गैप्स भी हो सकते हैं जैसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट ठीक है हमारा ये साउथ इंडिया है तो हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं तो ईस्टर्न घाट कोई लगातार नहीं है पहले कुछ पहाड़ियां फिर कुछ फिर कुछ फिर कुछ वेस्टर्न घाट जो है वो लगातार है लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ गैप है जैसे हालघा गा, घाट है भोर घाट है पाल घाट है तो गैप तो उनमें भी आते हैं ठीक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम बीच में गैप ही नहीं आता कुछ प्राकृतिक गैप भी होते हैं जिन्हें हम पास बोलते हैं जहां से हम ट्रांसपोर्ट वगैरह संभव जिनकी वजह से हो पाता है तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला लंबी का मतलब यह है कि कितने किलोमीटर तक फैली हुई है ठीक है तो उनमें आप देख सकते हैं कि हिमालयाज चाहे ऊंचे बहुत ज्यादा है लेकिन हिमालयाज लंबे बहुत ज्यादा नहीं है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है अगर मैं हिमालयाज बनाऊं ठीक है अगर मैं हिमालयाज बनाऊं ये है हमारा ग्रेट इंडिया और इसमें अगर हिमालयाज आप देखें तो जम्मू कश्मीर में भी पूरे नहीं है हिमालयाज ग्रेट हिमालयाज काराकोरम और ट्रांस हिमालयाज उसके ऊपर है लद्दाख रेंज जंस्कार रेंज जो है या जो जो जिन्हें बोलते हैं काराकोरम रेंज तो ये सारे ऊपर हैं तो रफली आप यहां से देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से से स्टार्ट हो जाते हैं और ये जो है अगर हम इनका एक्सटेंट बताएं तो यहां पे नंगा पर्वत है ठीक है यहां पे कहीं नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में तो यहां से लेके और पूरे यहां नमचा बरवा तक ठीक है ये यहां पे साउथ नॉर्थ इंडिया हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा जो मैंने बनाया नहीं है तो यहां पूरा आ, नंगा पर्वत से नमचा बरवा जहां से ब्रह्मपुत्र घूमती है वहां तक हिमालयाज है तो ये कितने किलोमीटर तक है यहां से लेके यहां तक ये यह है चौबीस सौ किलोमीटर तो हिमालयाज ऊंचे तो बहुत हैं पर लंबे बहुत ज्यादा नहीं है सिर्फ चौबीस सौ किलोमीटर में लेकिन हिमालय से आप देख सकते हैं लंबे लंबे पहाड़ हैं जैसे एंडीज के पहाड़ एंडीज के पहाड़ सात हजार किलोमीटर में फैले सात हजार किलोमीटर मतलब हिमालयास के तीन गुना ठीक है लगभग तीन गुना फिर रॉकीज रॉकी माउंटेन जो अमेरिका में है चार हजार आठ सौ तीस किलोमीटर फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है पैंतीस किलोमीटर और इनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे सबको ठीक है फिर है ट्रांस अंटार्क्टिक माउंटेन जो पैतीस किलोमीटर ट्रांस अंटार्क्टिक माउंटेन उसके बाद है बादल माउंटेन जो रशिया में है पच्चीस किलोमीटर फिर एटलस माउंटेन जो अफ्रीका में है पच्चीस किलोमीटर फिर अपलाचिया माउंटेन चौबीस किलोमीटर अपलाचिया माउंटेन जो कि अमेरिका में है अपलाचिया माउंटेन फिर अल्टाई माउंटेन अल्टाई माउंटेन जो है कई कंट्रीज में है मेनली रशिया वगैरह तो 2000 किलोमीटर वेस्टर्न घाट इंडिया में 1600 किलोमीटर वेस्टर्न घाट जो है भारत में वो महाराष्ट्र से लेके जो नीचे तक पूरा आ, केरल तक तो वो है 1600 किलोमीटर और एल्प्स एल्प्स के जो पहाड़ हैं यूरोप में बारह किलोमीटर सबर्ग ड्रेकंस साउथ अफ्रीका में 1125 किलोमीटर और अरावली की पहाड़ियां भारत में 800 किलोमीटर जो दिल्ली हरियाणा से लेकर और पूरा गुजरात तक राजस्थान गुजरात वगैरह अरावली की पहाड़ियां ठीक है 800 किलोमीटर तो ये है दुनिया के सबसे लंबे पर्वत श्रृंखलाएं तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज और दूसरे नंबर पर है रॉकीज कम से कम नंबर वन और नंबर टू तो आप याद रखिए अब एक एक करके पढ़ेंगे ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग है मजा आएगा आपको पता चलेगा दुनिया में कौन से पहाड़ कहां पे हैं आप ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि एक जीवन में आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं एंडीज की और मैप दिखाऊंगा बकायदा यहाँ पे देखिए ये मैप तो एंडीज देखो मैंने आपको बताया था सात हजार किलोमीटर तक फैले हैं एंडीज तो ये एंडीज जो है यहाँ पे साउथ अमेरिका में है और पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ये जो है एंडीज फैले हुए ठीक है पूरा ऊपर से लेके और पूरे साउथ अमेरिका में नीचे तक तो कई सारे कंट्रीज को कवर करते हैं वेनिजोला कोलंबिया एक्वाडोर पेरू बोलीविया अर्जेंटीना इत्यादि तो एंडीज जो है ये सबसे लंबे हमारी पर्वत श्रृंखला है दुनिया की ठीक है और एंडीज जो है ये बहुत ऊंचे भी हैं मतलब एशिया जितने ऊंचे तो ऑब्वियसली नहीं है जितने काराकोरम और जो ये पामिर माउंटेन है या जो हिमालयाज है उतने ऊंचे तो नहीं है लेकिन हाँ चार मीटर इनकी एवरेज हाइट है जो कि काफी अच्छी है ठीक है फिर इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट अकान कागुआ माउंट अकान का पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकान कागुआ और ये जो है एक डॉरमेंट वॉलकैनो का काम करती है यानी कि एक सोया हुआ का काम करती है 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 बेसिकली माउंट अकान का हुआ एक तरह का तो यह हाइएस्ट पीक है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ये एंडीज के पहाड़ों में आती है दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो एंडीज में है दुनिया के सबसे हाइय जो बॉल्केनो है वो है ओजोस डेल सलाडो मतलब एक्टिव वोल्केनो की बात हो रही है जिनसे लावा निकलता रहता है तो ओजोस डेल सलाडो छह हजार आठ सौ तिरानवे मीटर यानी बस थोड़ा ही फर्क है ठीक है लगभग आप देख सकते हैं पचास साठ मीटर का फर्क है माउंट अकान कागुआ और ओजोस डल सलाडो में तो ओजोस डल सलाडो जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे एक्टिव वोल्केनो है और ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे है ये भी एंडीज रेंज में है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे ये आप देख सकते हैं ये है ओजोस डल सलाडो और ये है माउंट अकान कागुआ तो ये दोनों एंडीज में है अब हम बात करते हैं दूसरी रेंज पे जो कि है रॉकीज 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 क्या है अब आप यहां पे देखिए अमेरिका में बहुत सारे पर्वत हैं जैसे अपलाचिया ये देखिए बहुत आता है एग्जाम में रॉकीज तो आता ही है बाकी अमेरिका में कौन कौन से पहाड़ है अगर आएंगे तो ये है रॉकी माउंटेन देख सकते हैं आप कितने लंबे हैं ये यहां से लेके पूरा यहां तक नीचे तक तो ये है रॉकी माउंटेन उसके बाद यहां पर यह है कास्केड रेंज कास्केड रेंज राइट right. उसके बाद यहां पे है मादरे मादरे और सियारा मादरे दो तरह के हैं जो ईस्टर्न में है वो है ओरिएंटल और जो बाहर की तरफ है वो है ऑक्सीडेंटल तो सियारादरे मादरे सियारा मादरे तो ये सारे पहाड़ जो है मेनली अमेरिका अमरीका है रॉकीज तो यहां पे इस डायग्राम में देखिए ये है रॉकी माउंटेन ये है यहां पे अपलाचिया फिर ये सियारा मादरे फिर ये ब्रुक्स रेंज अलास्का रेंज और इसमें कास्केड और एक बच गया था वो है सियारे नवाड़ा तो यहां पे इसमें नहीं दिखाया हुआ लेकिन इसमें दिखाया हुआ सियारा नावाड़ा सियरा नवाडा तो अलास्का रेंज जो है ये अमेरिका का पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं माउंट मैकिनली इसका नया नाम है देनाली वो यहीं पे है ठीक है तो अगर आपसे पूछे पूरे नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में तीन कंट्री आते हैं ये ऊपर कैनेडा है फिर ये बीच में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नीचे मेक्सिको है तो ये तीनों कंट्री को मिला के नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पहाड़ की तो आंसर है माउंट मैकिल्ली जिसको आप देनाली बोलते हैं तो ये कहां पे है अलास्का रेंज में ठीक है रॉकी माउंटेन्स में नहीं है अलास्का रेंज में फिर अपलाचिया तो ये अलास्का रेंज है यहां पे ये ये अलास्का रेंज है ब्रुक्स रेंज के नीचे और ये है अपलाचिया तो अपलाचिया जो है इनका सबसे हाइस्ट पॉइंट है माउंट मिचे फिर है कास्केड रेंज कास्केड रेंज कहां पे है अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कास्केड रेंज है यानी कि मैं बोल सकता हूं ये वेस्ट अमेरिका है राइट आपके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होता है तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये कास्केड रेंज जो है ये वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है और ये पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर में आता है तो रिंग ऑफ फायर में ये जो पूरा एरिया है ये रिंग ऑफ फायर में आता है राइट तो उसी का पार्ट है ये कैस्केड रेंज यहां पे कई सारे वोल्केनो भी होते हैं तो कुछ वोल्केनो तो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं जैसे माउंट सेंट हेलन माउंट सेंट हेलन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वोल्केनो है कैस्केड रेंज में उसके बाद है रॉकी माउंटेन रॉकी माउंटेन हमने देख के लिया ये अमेरिकन कॉर्डिलेरा का पार्ट है अब ये कॉर्डिलेरा क्या होता है डिलेरा आपको दिखाता हूं ये जो पूरा एरिया है ना यहां से ये जो माउंटेन्स है यहां पे इसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं पूरा ये जो ऊपर से लेके नीचे तक यहां तक जो इसमें कई सारी रेंज आती है तो इन्हें कॉर्डिलेरा बोलते हैं और ये साउथ अमेरिका में भी है नॉर्थ अमेरिका में भी है। ठीक है कॉर्डिलेरा उसके बाद ब्रुक्स रेंज हमने देख ही लिया ब्रुक्स रेंज जो है ये अलास्का में ही है यहां पे देखिए अलास्का जो है ये अलास्का है इसमें दो रेंज है ऊपर वाली ब्रुक्स रेंज और नीचे वाली अलास्का रेंज तो ब्रुक्स रेंज भी अलास्का में है और ब्रुक्स रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट इस्टो उसके बाद रॉकी माउंटेन्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जो मेन रॉकी माउंटेन्स है वो है माउंट एल्बर्ट तो माउंट एल्बर्ट अमेरिका में है चार मीटर यानी कि जो ये है रॉकी माउंटेन्स इनमें सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है वो है माउंट एल्बर्ट लेकिन पूरे अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है देनाली वोलास्का रेंज में फिर इसमें साथ ही साथ रॉकी माउंटेन्स के कुछ और छोटे छोटे पहाड़ भी चलते हैं जिन्हें बोलते हैं कोलंबिया माउंटेन ये पैरल चलते हैं एकदम रॉकी माउंटेन के और फिर है सियारा नवाड़ा सियारा नेवाड़ा का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट विटनी आपको मैं सियारा नवाड़ा दिखा देता हूं यह देखिए सियारा नावाड़ा यहां पे कहीं है सियारा नवाड़ा सियारा नावाड़ा जो कि रॉकी माउंटेन्स के वेस्ट में है राइट उसके बाद मैक्सिको मैक्सिको में कौन से पहाड़ है मैक्सिको में है सियारा माद्रे ये नीचे मैक्सिको आ गया तो ये मैक्सिको है ठीक है अब मैक्सिको में ये जो है ये है सियारा माद्रे सियारा माद्रे जो वेस्ट की तरफ है उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेंटल और जो ईस्ट की तरफ है उन्हें बोलते हैं ओरिएंटल तो सियारा मादरे जो है मेक्सिको में ये दो तरह के हैं सियारा मादरे ऑक्सीडेंटल और सियरा मादरे ओरिएंटल फिर हम बात करते हैं साउथ कॉर्डिलेरा साउथ कॉर्डिलेरा जो है वो साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पूरा कंटिन्यू करता है कॉर्डिलेरा कुछ नहीं है हम पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो पहाड़ की कंटिन्यूस चेन चलती है उन्हें कॉर्डिलेरा बोलते हैं तो यहां पे पूरी ऊपर से लेके नीचे तक जो पहाड़ चलेंगे और फिर नीचे साउथ अमेरिका आ जाएगा ठीक है साउथ अमेरिका ऐसे है तो साउथ अमेरिका में भी ये कंटिन्यू रहेगा जो इनका वेस्ट कोस्ट है वहां पे तो ये पूरा कॉर्डिलेरा चलेगा और बीच में सेंट्रल अमेरिका आता है जिसमें पनामा होंडूरास ग्वेटा और ये सब कंट्री है तो वहां पर भी वो चेन कंटिन्यूसली चलती है तो साउथ कॉर्डिलेरा जो है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो है जैसे ग्वेटा मेला होंडूराज निकारक हुआ वगैरह कोस्टारिका पनामा और फिर जो एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में वो इसी का पार्ट है साउथ कॉर्डिलेरा का ठीक है तो एंडीज माउंटेन हम देख चुके हैं कहां पे और एंडीज माउंटेन खत्म कहां पे होते हैं साउथ अमेरिका में ये खत्म होते हैं एक जगह पे जिसको बोलते हैं टियारा डेल फोएगो तो ये हमारे एंडीज जो हैं वो हो गए हमारे रॉकीज भी हो गए रॉकीज के अलावा हमने अमेरिका में और भी सारे देखे अलास्का रेंज ब्रुक्स रेंज अपलाचिया सियारा मादरे कास्केट रेंज से नवाडा वगैरह सारे हमने अमेरिका के पहाड़ पहाड़ पढ़ पार लिए हैं और एंडीज हमने पढ़ लिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज द ग्रेट और मैं इसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है सबसे लंबे से लेकर छोटे तक ऐसे पढ़ा रहा हूं तो फिर बात करते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है आप ऑस्ट्रेलिया देखो ऑस्ट्रेलिया में आप देखो यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ है ये यानी कौन से कोस्ट पे है ईस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे है ग्रेट बैरियर रीफ ठीक है ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में फिर ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं श्रृंखला पूरी ऊपर से लेके नीचे तक नॉर्थ से साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में तो ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को हम ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है ये ठीक है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के एल्फ भी बोलते हैं ये रिफ्टिंग की वजह से बने थे रिफ्टिंग की वजह से बने थे और ये 3500 किलोमीटर तक लगभग जो है लगातार चलते तो ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसके बाद ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स ऑफ अंटार्क्टिका ये अंटार्क्टिका है यानी हम साउथ की एकदम साउथ में आ जाइए तो अंटार्क्टिका आप जानते हैं नॉर्थ में आर्टिक होता है साउथ में अंटार्कटिक होता है तो ये हमारा अंटार्क्टिका है और अंटार्कटिका में अगर आप देखें यहां पर ये आपको आ, जो माउंटेन है यहां पर यह है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन ट्रांस अंटार्क्टिक माउंटेन ये पूरी लंबी श्रृंखला चलती है ऐसे मैं इसको एक बार रेड कलर में बना देता हूं आपकी आसानी के लिए यह जो पर्वत श्रृंखला है पूरी बोलते हैं ट्रांस अंटार्क्टिक माउंटेन सो इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कर्क पैट्रिक माउंट कर्क पैट्रिक जिसकी आ, आ, जिस जो बस उसकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है याद रखो ट्रांस अंटार्क्टिक का ये हाइएस्ट पॉइंट है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक और पर्वत की चोटी आपको मिलेगी विंसन मैसेफ जिसको बोलते हैं माउंट विंसन मैसेफ तो विंसन मैसेफ जो है ये पूरे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है पर क्या विंसन मैसेफ ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में है नहीं ये उसके ऊपर है ठीक है तो विंसन मैंफ की हाइट आप याद रख सकते हो चार मीटर पूरे अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट विंसन मैसेफ ये हाइएस्ट पीक है अंटार्क्टिका की और जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन हैं ये इनकी हाईएस्ट पीक है माउंट कर्क पैट्रिक अब बात करते हैं उरल माउंटेन उरल माउंटेन कहा है ये देखो ये रशिया है तो रशिया में बहुत सारे माउंटेन हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ये ये है उरल माउंटेन तो ये पूरे ऐसे काफी लंबे हैं ये लगभग 2500 किलोमीटर फिर है रशिया में एक और माउंटेन जो आ, आपको पता होने चाहिए और वो है यहां पे कोकासुस क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस वो यहीं पे है कोकासुस में ठीक है जो यानी कि एक तरह से ये जो है कोकासुस ये उसके बाद ये हो गए उरल फिर यहां पे आप देखिए ये है चेरस्की ये है वर्कोयांस तो बस इतना अगर आपको चार पांच माउंटेन रेंज पता है रशिया में उतना काफी है सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन है उरल। तो ये यहां से पूरे आप देख सकते हैं ये उरल है यानी इसको मैं यहां पे जूम करके दिखा रहा हूं तो यहां पे ये ये उरल माउंटेन है और मैंने यहां जूम कर दिए तो ये बन गए उरल माउंटेन तो उरल माउंटेन जो है ये कहां से रन करते हैं ये नॉर्थ से साउथ रन करते हैं ठीक है वेस्टर्न रशिया ये जो रशिया है आ, हमारे लेफ्ट में वेस्ट होता है तो ये ये आप रफली इसको दो हिस्सों में हिस्सों में बांट लो रशिया को ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया तो वेस्टर्न रशिया में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं उरल माउंटेन तो उरल माउंटेन जो है ये कहां से एक्सटेंड करते हैं ये आर्टिक ओशियन से लेके कजाकिस्तान तक जाते हैं यहां पर आपको दिखाता हूं आर्टिक ओशियन कहां पे ये देखिए ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये जो ओशियन है पूरा ये आर्टिक ओशियन है तो ये यहां से लेके और पूरा नीचे कजाकिस्तान तक जाते हैं रशिया कजाकिस्तान बॉर्डर तक जाते हैं और इनको हम यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री भी बोलते हैं ये एक तरह की नेचुरल बाउंड्री है यूरोप और एशिया के बीच में ठीक है यहां पे मिनरल्स भी काफी होते हैं अब बात करते हैं एटलस माउंटेन तो एटलस माउंटेन अफ्रीका में है आपको दिखा देता हूं ये देखो ये नॉर्थ अफ्रीका पे आ जाओ ये अफ्रीका का नॉर्थ एरिया है ठीक है इसमें ये चार कंट्री है मोरक्को अल्जीरिया लिबिया और इजिप्ट यानी मेल मोरक्को अल्जीरिया लिबिया और इजिप्ट और ऊपर छोटा सा देख रहे हैं टूनिशिया ये टूनिशिया तो नॉर्थ अफ्रीका में यहां पे ये पहाड़ है ऐसे ये देखिए ये ये जो पहाड़ है यानी ये सहारा मरुस्थल है तो इसके ऊपर सहारा मरुस्थल के ऊपर ये जो माउंटेन है इन्हें बोलते हैं एटलस माउंटेन तो ये कौन कौन से कंट्री में हो गए ये ये हो गए मोरक्को अल्जीरिया और टूनिशिया ठीक है मोरक्को अल्जीरिया और टुनिशिया सो माउंटेन रेंज जो है ये एटलस माउंटेन ये भी काफी लंबी श्रृंखला है पच्चीस किलोमीटर अल्जीरिया मोरक्को और टूनिशिया में फैली हुई है इनकी सबसे ऊंची चोटी है एटलस माउंटेन की तुबकल तुबकल जो मोरक्को में आती है चलिए अब हम बढ़ते हैं हिमालयाज हिमालयाज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इंडिया के माउंटेन्स पे मैंने काफी लंबा वीडियो बनाया था पर एक आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं हिमालयाज जो है यहां पे सबसे ऊंची चोटियां होती हैं और माउंट एवरेस्ट भी हिमालियाज में है माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल चाइना बॉर्डर पे है ठीक है तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक हिमालयाज एक्सटेंड करते हैं और ये काफी यंग माउंटेन है ठीक है यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इन्हें और अरावली इसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोलते हैं राइट तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी तब ये बने थे ये फोल्ड बने थे ठीक है इसके अलावा जो म्यांमार में अराकन माउंटेन है और जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है वो भी ये दो प्लेट टकराने के कारण ही बने थे तो ये है इनमें कुछ बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ग्रेटर हिमालयाज मिडल हिमालयाज और शिवालिक तीनों को पढ़ चुके अब बात करते हैं एल्प्स सुपर इंपॉर्टेंट एल्प्स कहां पे है एल्प्स बहुत सारे कंट्री में है यूरोप में है 1200 किलोमीटर तक चलती है श्रृंखला और ये लगातार है एकदम गैप बहुत गैप नहीं है इसमें लगातार है बहुत एक्सटेंसिव है ये माउंटेन रेंज एल्प है और ये पूरे यूरोप में पड़ते हैं ठीक है तो ये आठ कंट्रीज में फैले हुए हैं अगर मैं यहां पे देखूं एल्प आपको दिखाता हूं तो ये देखिए ये फ्रांस से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे और पूरे स्लोवेनिया तक तो फ्रांस जर्मनी इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं इसमें आते हैं फ्रांस स्विट्जरलैंड मोनेको इटली लाइचनस्टीन ऑस्ट्रिया जर्मनी और स्लोवेनिया इन सारे कंट्रीज में एल्प फैले हुए हैं फ्रांस स्विट्जरलैंड आप देख ही सकते हैं यहां पे जर्मनी हो गया फिर फिर यहां पे लाइचनस्टीन ऑस्ट्रिया स्लोवेनिया और इटली तो इतने सारे कंट्रीज में ये हैं यूरोप में एल्प्स यूरोप के सबसे लंबे माउंटेन कौन से हैं एल्प्स यूरोप के दूसरे सबसे लंबे माउंटेन कौन से हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन स्कैंडिनेवियन वो बाद में दिखाऊंगा तो ये जो माउंटेन है ये अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के जब कोलाइड हुए थे तब बने थे यानी एल्प्स भी एक तरह के फोल्ड माउंटेन जब भी दो टेक्टोनिक प्लेस आप आपस में कोलाइड करती हैं एक साथ आती हैं तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं राइट तो बहुत ज्यादा फोल्डिंग है इनके अंदर राइट तो और यहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो आ, फोल्डिंग के कारण जो है वो राइज हो गई थी और एल्प माउंटेन जो है इनका सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो है मॉन्ट ब्लांग मॉन्ट ब्लाक इसे मो ब्ला बोलते हैं लिखते हैं माउंट ब्लैंक माउंट ब्लैंक मतलब होता है सफेद पहाड़ ब्लैंक मतलब सफेद और माउंट मतलब माउंटेन तो 4810 मीटर 4810 मीटर ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे आता है मॉन्ट प्ले और यहाँ पे आ, ये भी काफी ऊंचे हैं आ, और यहाँ पे सो चोटियां पर्वत की सौ पीक्स ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा है इसीलिए इन्हें बोलते हैं फोर थाउजेंडर्स फोर थाउजेंडर्स मतलब चार मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले यहां पे सौ पहाड़ तो ये हो गए एल्प्स उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है देखो हम तो धरती की बात कर रहे हैं ना धरती पे माउंट एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट आठ हजार आठ सौ अड़तालीस मीटर है यानी कितना हो गया ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया एट पॉइंट एट किलोमीटर लेकिन क्या इससे ऊंचा पहाड़ भी है कोई बिल्कुल लेकिन धरती पे नहीं है मंगल ग्रह पे मंगल ग्रह पे एक पहाड़ है जो माउंट एवरेस्ट के तीन गुना है छब्बीस किलोमीटर ऊंचा है इसको बोलते हैं ओलंपस ठीक है तो पूरे सो, सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो ओलंपस है और ये छब्बीस किलोमीटर इसकी ऊंचाई है छब्बीस किलोमीटर सोचिए कितना ऊंचा होगा अब हम बात करते हैं कुछ और माउंटेन्स देखिए जो सबसे बड़ी बड़ी रेंज थी वो मैंने आप, आपको सारी वो कर दी है अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए माउंटेन्स है वो आपको पढ़ाऊंगा ठीक है सबसे पहले अराकन यहां पर देखिए म्यांमार है म्यांमार में ये जो राज्य है इसे बोलते हैं रखिन इसे राखीन स्टेट बोलते हैं तो इनको राखीन माउंटेन्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि राखीन स्टेट में है ये अराकन माउंटेन एकदम जो है ये बंगाल की खाड़ी से लगते हैं ठीक है बंगाल की खाड़ी से लगते हैं तो ये जो माउंटेन रेंज है ये वेस्ट म्यांमार में है ठीक है ये वेस्ट म्यांमार में वेस्टर्न कोस्ट है ये इसके पास है ये पखीन स्टेट में और यहां पे इरावड्डी नदी भी बहती है उसके बाद बात करते हैं काराकोरम काराकोरम हम पढ़ चुके हैं वैसे ये देखिए ये जो है ये कश्मीर है जम्मू कश्मीर रफली लद्दाख और जम्मू कश्मीर फिर यहां पे हिमालयास तो यहीं तक खत्म हो जाते हैं इसके ऊपर यहां पे लद्दाख और जंस्कार ये आते हैं फिर यहां पे जो आते हैं ये काराकोरम तो काराकोरम जो है ये ऐसे हैं यहां पे देखिए इस डायग्राम में बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है ये जो है इसमें ये इसमें इंडिया का बॉर्डर है ठीक है फिर काराकोरम के पहाड़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंडिया में है ठीक है तजिकिस्तान तक जा रहे हैं और अफगानिस्तान को भी टच कर रहे हैं तो ये मेनली जो है अफगानिस्तान तजिकिस्तान इंडिया और यहां पे चाइना में भी जा रहे हैं राइट ये चाइना इंडिया के ऊपर तिब्बत मतलब चाइना तो ये यहां भी है और पाकिस्तान में भी जा रहे हैं पाकिस्तान है राइट तो ये जो पहाड़ है काराकोरम के ये इंडिया पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान और तजिकिस्तान में है अफगानिस्तान और तजिकिस्तान को तो सिर्फ टच कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें इस मैप को इंडिया में तो है ही पाकिस्तान में भी है और चाइना में भी तो ये जो पहाड़ है इनमें कौन सी चोटी है इनमें है केटू सबसे ऊंची चोटी इनकी है जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आठ मीटर और यहां पे अगर आप दुनिया की दस सबसे ऊंची चोटी देखें तो चार यहां पर काराकोरम में कौन कौन सी एक तो है केटू फिर एक हो गई यहां पे जिसको बोलते हैं ब्रॉड पीक एक है गशेर ब्रह्म वन और एक है गशेर ब्रह्म टू गशेर ब्रह्म वन गशेर ब्रह्म टू और ब्रॉड पीक ये चार सबसे ऊंची चोटी यहां पे है के टू गशेर ब्रह्म वन गशेर ब्रह्म टू और ब्रॉड पीक क्लियर यहां पे देखिए काराकोरम की रेंज मैं दिखाता हूं काराकोरम रेंज ये है काराकोरम रेंज तो ये अफगानिस्तान और ये ऊपर अफगानिस्तान सिर्फ टच करता है इंडिया को बस सिर्फ बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है और ऊपर ये तजिकिस्तान हो गया ये ऐसे और ये यहां पूरे अक्साई चीन तक जा रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं ये है काराकोरम तो इसमें ये चाइना में भी जा रहे हैं अक्साई चीन में भी जा रहे हैं यहां पे ये तजिकिस्तान को टच कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तो ये है ठीक है तो क्योंकि ये जो एरिया है ये पीओके -OK है और ये पाकिस्तान में भी तो एक तरह से ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड एरिया है तो हम पाकिस्तान भी बोलते हैं उसके बाद हिंदु कुश हिंदू कुश के पहाड़ कहां पे है तो देखो दो पहाड़ है एक तो हिंदू कुश और एक पामिर माउंटेन ठीक है पामिर बहुत ऊंचे हैं पामिर भी बहुत ऊंचे हैं तो ये दोनों आपको दिखा देता हूं पहले मैप पे ये जो मैप है इसमें देखिए कोई मुश्किल नहीं है आप इसको वो कर पाएंगे ये हिमालयाज है फिर ये काराकोरम हो गए ये काराकोरम हो गए हिमालयाज यहां पे खत्म हो जाते हैं काराकोरम इसके ऊपर है मतलब ट्रांस हिमालयाज और ये पामेर के पहाड़ ऊपर है ठीक है पामेर के पहाड़ और अगर आप देखें ये एरिया में एक मान लेता हूं रफली ये मैं ये मैं आपको लाल रंग में दिखा रहा हूं इस एरिया को ध्यान से देखिए इसको हम पामेर नोट बोलते हैं नोट मतलब होता है के एन ओटी नोट मतलब होता है गांठ जैसे आपने धागे लिए एक धागा ये एक ये एक ये एक ये और एक ये पांचों की गांठ बांध दी यहां पे बीच में ठीक है उसी तरह से यहां पे ये ऐसा माना जाता है ये कोई गांठ है पामिर नॉट है और यहां पे बहुत सारी पर्वत आके मिलते हैं कौन कौन से ये ऊपर तियन शैन आ रहे हैं यहां से तियन शैन ठीक है चाइना से आ रहे हैं तियन शैन यहां से आ रहे हैं कुल्लुन ये देखिए कुल्लुन आ रहे हैं कुल्लुन यहां से आ रहे हैं फिर यहां से काराकोरम आ रहा है काराकोरम यहां से आ रहा है ठीक है यहां से हिंदू कुश आ रहा है राइट तो पामिर जो माउंटेन है पामिर माउंटेन और यहां से पामिर आ रहे हैं तो ये पांच पांच जो पहाड़ हैं यहां पे आके मिल रहे हैं कहां पे पामिर नॉट बोलते हैं इसे पामिर नॉट मतलब एक तरह से आपने गांठ बांध दी कि वहां पे भाई इतने सारे पहाड़ मिल रहे हैं आके तो यहां से काराकोरम यहां से कुल्लुन यहां से यहां से पामिर और तियानशेन यहां से हिंदू कुश राइट तो ये सारे आके मिलते हैं इसको बोलते हैं पामिर नॉट तो पामिर माउंटेन कहां पे है मेनली तजिकिस्तान मेनली तजिकिस्तान में और पामीर के नीचे ये कौन से हैं हिंदू कुश तो हिंदू कुश कहा है पाकिस्तान और मेनली पाकिस्तान ठीक तो है तो हिंदू कुश के पहाड़ जो हैं वो मेनली कहा है मेनली अफगानिस्तान पाकिस्तान और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो तजिकिस्तान में भी हिंदू कुश के जो पहाड़ हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर जो पाकिस्तान में है सात मीटर ये आठ किलोमीटर तक चलते हैं हिंदू कुश यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू कुश के जो पहाड़ है ये लगभग आठ किलोमीटर तक एक्सटेंड उसके बाद है पामिर पामिर ऊपर हो गए यानी मेनली जो है ये मेनली तजिकिस्तान में है लेकिन थोड़ा थोड़ा ये अफगानिस्तान चाइना और किर्गिस्तान में भी है पामिर माउंटेन और यहाँ पे आप डायग्राम में बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि ठीक है पामिर माउंटेन जो है ये रे ये मेनली तो तजिकिस्तान में है लेकिन चाइना को भी टच करते हैं यहां पे ये और ये ऊपर थोड़ा सा किर्गिस्तान में भी चले जाते हैं थोड़े से और अफगानिस्तान में भी टच कर जाते हैं क्लियर तो ये पामिर माउंटेन अब हम इसके बाद बात करते हैं अल्ताई माउंटेन अल्ताई माउंटेन जो है ये रशिया चाइना मंगोलिया और कजाकिस्तान में है ठीक है ये अल्ताई माउंटेन है आप यहां पे देख सकते हैं ये मंगोलिया है ये जो उड़ते हुए पक्षी जैसा देश है ये मंगोलिया है तो मंगोलिया की राजधानी उलन बतौर है तो यहां पे भी है ये अल्ताई माउंटेन ये देखिए ये अल्ताई माउंटेन फिर नीचे चाइना है चाइना में तो है ही उसके अलावा ये रशिया में भी है ऊपर रशिया है ये पूरा यहां पर भी है और कजाकिस्तान में भी थोड़े से तो ये है अल्ताई माउंटेन अल्ताई माउंटेन रशिया चाइना मंगोलिया और कजाकिस्तान उसके बाद तियान तियान भी जो को टच करते हैं मैंने दिखाया था नॉट तो तियान जो है ये सेंट्रल एशिया में है ठीक है चाइना और किर्गिस्तान में यहां पर आपको मैं तियान शन दिखाता हूं तो ये तियान तियानशेन है ये तियान शैन है चाइना में है और ये जो कंट्री है ये पूरा किर्गिस्तान है ऊपर तो चाइना और किर्गिस्तान में फैले हुए हैं तियान तियानशेन ठीक है तियान तियानशेन और माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, जंगिश चोकुसू। जंगिश चोकुसू जो है। कोई डाउटेन फिर कुल्लू तक जा रहे थे तो लेके ले और कुल्लून पास तक जाते हैं मेनली जो कुल्लून माउंटेन है वो कहां पे है मेनली कुल्लून माउंटेन है मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा डायग्राम में यहां पे देखिए ये जो है पामिर जहां खत्म हो रहे हैं वहां से कुल्लून स्टार्ट हो रहे और ये चाइना है पूरा राइटर right? पूरा चाइना है तो ये चाइना में है मेनली कुल्लुन माउंटेन फिर अल्ताई हो गया था अल्ताई माउंटेन हम देख चुके हैं अल्ताई माउंटेन हमने यहां पे देख लिया राइट right? अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कोकासुस तो देखो रशिया में एक हमने यहां पे देखे थे पहाड़ ये कौन से थे उरल ये तो उरल थे नॉर्थ से साउथ तक जा रहे हैं जो आर्टिक ओशियन से नीचे कजाकिस्तान तक जा रहे हैं ये तो उरल है लेकिन ये देखिए ये है कोकासुस और सबसे ऊंची चोटी यूरोप की माउंट एल्ब्रस वो यहीं पे है ठीक है तो अभी काकासूस जो है ये मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं ये काकासुस है तो एक तरफ तो इनके है ब्लैक सी और एक तरफ है कैस्पियन लेक ये कैस्पियन लेक है कैस्पियन सी भी बोलते हैं और ये ब्लैक सी है तो ब्लैक सी और ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन से माउंटेन आते हैं कोकासुस ये जो है ये यूरोप और एशिया को अलग कर रहे हैं एक तरह से ये पूरा एशिया है इधर और ये यूरोप है इधर तो एक तरह से कोकासुस जो है यूरोप और एशिया को अलग कर रहे हैं उसके बाद बात करते हैं जागरोस माउंटेन जागरोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान इराक टर्की यहां पे देखिए मैप में देखिए ये ईरान है ठीक है ये इराक है ठीक है ईरान है इराक है और ये ऊपर टर्की है ये ऊपर टर्की है तो ये जो माउंटेन है जागरूज ये ऐसे एक्सटेंड करते हैं इराक ईरान और साउथ ईस्ट टर्की इराक ईरान और साउथ ईस्ट टर्की में ये 1600 सो किलोमीटर तक लंबे चलते हैं बहुत लंबे हैं ये रेंज ये भी 1600 सो किलोमीटर कम नहीं होता और इनका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है माउंट देना माउंट फिर बात करते हैं टोरस माउंटेन टोरस माउंटेन जो है ये टर्की में है अगर टर्की का मैप है ये टर्की के ऊपर ब्लैक सी है नीचे मेडिटरेनियन सी है टर्की की लोकेशन आप जानते ही हैं तो ये टर्की है पूरा तो टर्की में आप देखिए ये जो झील देख रहे हैं ये झील छोटी सी झील दिख रही है आपको ये झील का नाम क्या है इस झील का नाम है एजिरडिर एजिरडिर यहां से स्टार्ट हो गई ये पर्वत ये देखिए स्टार्ट हो गए यहां से और ये पूरा यहां तक जा रहे हैं यहां तक और यहां दो नदियां बहती हैं नीचे वाली नदी का नाम है टिकरिस और ऊपर वाली नदी का नाम है यूफरेट टिग्रिस और यूफ्रेट तो लेक एजे से लेके लगातार पर्वत श्रृंखला चल रही है और ये टिग्रिस और यूफरेट जो नदियां हैं वहां तक चल रही है ठीक है तो इनको बोलते हैं टोरस माउंटेन ये कहां पे है ये टर्की में क्लियर उसके बाद सेराडो मार मार मतलब होता है समुद्र यानी सी समुद्र के एकदम पास है इन्हें सी रिज भी बोलते हैं इसीलिए ठीक है लिए। ये अटलांटिक ओशियन है राइट ये कंट्री कौन सा है ये साउथ अमेरिका में ये ब्राजील है इतना बड़ा कंट्री राइट right? ब्राजील तो ब्राजील में एकदम समुद्र के किनारे ये जो पहाड़ है इन्हें बोलते हैं सेराडो मार ये भी कोई छोटे नहीं है पंद्रह किलोमीटर तक लगातार पहाड़ है पंद्रह किलोमीटर फिर बात करते हैं चेर्सकी मैंने आपको दो रेंज बताई थी चेर्सकी और वर्खोयांस यांस्क यहां पर देखिए बहुत ठंडे साइबेरिया की बात हो रही है ये देखिए ये है यहां पे चेरस्की और ये है वर्खोयांस यांस्क चेरस्की और वर्खोयांस दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये और दोनों ये रशिया में ठीक है दोनों रशिया में है बस इतना याद रखिए ये जो है आ, ये साइबेरिया में पड़ती है दोनों अब बात करते हैं कार्पाथियन माउंटेन कार्पाथियन जो है ये यूरोप में है यूरोप में कितने सारे कंट्री में है ये ये लगभग 1500 किलोमीटर तक लगातार चलते हैं ये पहाड़ कार्पाथियन ये बहुत सारे कंट्री में है ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ये चेक रिप, चेक रिपब्लिक से चेक रिपब्लिक से स्टार्ट हुए फिर इन्होंने टच किया स्लोवाकिया फिर ये यूक्रेन फिर ये यहां पे रोमानिया राइट रोमानिया हंगरी सर्बिया रोमानिया और पोलैंड पोलैंड में भी ठीक तो है, है तो ये ऊपर देख रहे हैं अब ये पोलैंड है तो पोलैंड भी आएगा इसमें इतने सारे कंट्रीज में है ये पहाड़ इनको बोलते हैं कारपाथियन कार्पाथियन माउंटेन जो है ये 1500 किलोमीटर तक तो चलते हैं और ये यूरोप में उसके बाद स्कैंडिनेवियन तो पूरे यूरोप में पूरे यूरोप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है एल्पस और दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे स्कैंडिनेवियन तो स्कैंडिनेवियन जो एल्प जो है लगभग 2500 किलोमीटर होगा दो हजार के आसपास और स्कैंडिनेवियन जो है यह भी काफी लंबी है 1700 किलोमीटर के आसपास है ये देखिए स्कैंडिनेवियन तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हैं स्वीडन ये नॉर्वे और ये फिनलैंड तो स्वीडन नॉर्वे और फिनलैंड में एक्सटेंड करते हैं ये इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन उसके बाद है बुकिट बरिसन या बरिसन माउंटेन बरिसन माउंटेन बड़ा आसान है इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में ये आईलैंड है सुमित्रा तो बस सुमित्रा में पूरा सुमित्रा का जो यहां पे कोस्ट है ये इसके पास है ये बरिसन माउंटेन तो सुमत्रा आइलैंड पे है बरेसन माउंटेन उसके बाद हैंग है हैंगडुआन हैंगडुआन कहां पर हैंग डुआन चाइना में है तिब्बत चाइना बॉर्डर अब यहां पे देखिए ये जो है यहां पे ये यह पूरा तिब्बतन प्लेट्यू है ठीक है और ये जो है इसे बोलते हैं युन घी यानी यूनान गुइजू प्लेट्यू यहां पर यह जो है यह है यूनान गुइजू प्लेट्यू इन ये जहां मिलते हैं वहां पर यह माउंटेन है जिन्हें हम बोलते हैं हेंगडुआन माउंटेन तो हैंगडुआन माउंटेन कहां है जहां पे तिब्बतन प्लेट्यो मिलता है युन गुई पे, प्लेट्यू से चाइना फिर ड्रेकन्सबर्ग ये देखिए ये अफ्रीका का साउथ है तो ये साउथ अफ्रीका है साउथ अफ्रीका में ये जो कंट्री है लेसोथो और ये है स्वाजीलैंड स्वाजीलैंड का नाम बदल गया है अब इसे ई स्वाति बोलते हैं स्वाजीलैंड के राजा ने नाम पलट दिया है तो ये जो पर्वत आप देख रहे हैं यहां पे ये काफी लंबे ये हैं ड्रेकन्सबर्ग ड्रेकन्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका में उसके बाद दुनिया के सात सबसे ऊंचे पहाड़ कौन से हैं जिन्हें बोलते हैं सेवन समिट सेवन समिट का मतलब दुनिया के सबसे सात ऊंचे पहाड़ नहीं होता ठीक है सेवन समिट का मतलब होता है हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ और हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है उसको लेके एक आ, एक दो दो मत है दो मत क्या है में तो कोई दिक्कत नहीं है सात में से लेकिन कई लोग जो सातवां पहाड़ है उसको लेके उनमें विचारों में मतभेद है कुछ लोग उसे मानते हैं कारसानेट पिरामिड जो इंडोनेशिया में है और कुछ मानते हैं माउंट कोजे को ठीक है देखने का तरीका है बस अपना अपना कई लोग क्या करते हैं इंडोनेशिया को ओशियानिया में गिन लेते हैं लेकिन कई लोग इंडोनेशिया को एशिया में गिनते हैं तो बस यही फर्क है और कुछ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ ठीक है पहले नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ हम देख चुके हैं देनाली अलास्का रेंज में है देनाली अब आते हैं साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पहाड़ है अकान कागुआ जो एंडीज में है ठीक है अकान कागुआ और सबसे ऊंचा वोल्केनो कौन सा है ओजोस डेल सलाडो अब बात करते हैं अफ्रीका अफ्रीका का सबसे ऊंचा किलीमंजारो ठीक है तंजानिया में है किलीमनजारो फिर यूरोप यूरोप का सबसे ऊंचा है एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा है एल्ब्रस ठीक है माउंट एल्ब्रस कहां पे है ये ये कोकास के कोकास माउंटेन रेंज में फिर एशिया का एशिया का सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां तक अब दिक्कत कहां आती है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं ये अंटार्क्टिका है अंटार्क्टिका सबसे ऊंचा विंसन मैसेफ कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सिर्फ इसमें आती है कई लोग कहते हैं कि नहीं हम इंडोनेशिया को एशिया में गिनेंगे तो अगर एशिया में गिनोगे तो एशिया में तो माउंट एवरेस्ट है तो इंडोनेशिया में एक पहाड़ आता है जिसको हम बोलते हैं कार स्टेंसिस पिरामिड कार स्टेंसिस पिरामिड ये जो है काफी ऊंचा है चार मीटर है और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है माउंट कोजिस्को तो माउंट कोजिस को तो छोटा है 2228 मीटर 2228 मीटर है इसका आधा है मतलब लेकिन फिर भी अगर आप इंडोनेशिया को एशिया में गिनते हो तो फिर आप कहोगे ये काटसन पिरामिड नहीं मैं तो माउंट कोजिस्को को मानूंगा लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं क्योंकि ये पपुआ में है पपुआ इंडोनेशिया में आता है इंडोनेशिया का वो है पपुआ तो कई लोग लेकिन पपुआ को ऑस्ट्रेलिया में गिनते हैं तो उसमें वो फिर कह देते हैं कि हम इसको पूरा ओशियानिया मानेंगे इसको भी ओशियानिया में मानेंगे उस केस में फिर सातवें को लेकर थोड़ा वो जाता है लेकिन आप आशी अगर एग्जाम में आए कि भाई ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है तो ऑब्वियसली आप मार्क करेंगे माउंट कोजिस माउंट कोजिस्को और इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा है पिरामिड तो ये था हमारा वीडियो माउंटेन्स इंडिया और माउंटेन्स वर्ल्ड आई एम श्योर आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा आपके ऐसे बरसों के डाउट्स जिनमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रही होगी वो इस वीडियो को देखकर मुझे पूरी उम्मीद है वो क्लियर हो गए होंगे अगर वीडियो के दौरान कोई भी ऐसा डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हो पाया या कोई ऐसी भी शंक, ऐसी शंका आपके दिमाग में आई है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हैं आप मुझे सर्च कर लीजिए मेरे नाम से डॉक्टर गौरव गर्ग मैं बड़ी आसानी से आपको मिल जाऊंगा वहां पर ट्विटर पर लगभग दो लाख लोग मुझसे जुड़े हैं आपको आप वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप वीडियो के नीचे कमेंट्स लिख दीजिए वो सारे कमेंट्स में देखता हूं तो ये हाईली कंसेप्चुअल लेक्चर था, था। इसलिए बहुत ज़्यादा मैप्स का मानचित्रों का इस्तेमाल भी किया गया था इसमें और यह यूपीएससी और स्टेट पी सी नहीं आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है आपको पता चलेगा भारत में कौन सी चीज़ कहाँ है और वो आपको एक अलग ही ऊर्जा देगी एक अलग ही एनर्जी आपको देगी मैं आपको ये याद दिला दूं फिर से हमारा जो यूपीएससी लाइव बैच है हम एक महीने में दो बैच लेकर आते हैं एक मॉर्निंग बैच एक इवनिंग बैच उनकी सारी जानकारी समय समय पे हम आपको देते रहते हैं अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलती है जो बहुत बड़ी बात है एक मैंटर हमेशा एक साथी आपके साथ रहेगा जो हमेशा आपको गाइड करेगा और ये मैंटर भी वो होते हैं जो खुद कम से कम एक दो इंटरव्यू दे चुके होते हैं बहुत एक्सपीरियंस होते हैं कम से कम पाँच छः साल से वो तैयारी कर रहे होते हैं तो ये आपको गाइड करेंगे ये आपकी हर वक्त हेल्प करेंगे आप चौबीस घंटे जब चाहे उन्हें मैसेज कर सकते हैं और साथ में आपको आंसर राइटिंग प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स प्रोग्राम यानी पूरी होलिस्टिक कवरेज मिलती है वो भी इतने कम प्राइस में जो आपका सिर्फ एक महीने का रहने का खर्चा होगा किसी भी शहर में और ये सारे फैकल्टीज एक्सपर्ट्स हैं ये जो यूट्यूब पर फैकल्टी आप देखते हैं वही उनको पढ़ाते हैं कम से कम यूट्यूब पर तीस हजार हमारे पड़े हैं आप स्टडी आई की क्वालिटी सुनिश्चित कर सकते हैं भुगतान करने से पहले और जब आप भुगतान करें तो आप ये कोड याद रखना जी जी लाइव जी जी लाइव जो कोड है आपको लगाना है उसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा और दूसरे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे साथ में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और बहुत तरह के पी भी स्पेशली डिजाइन पी भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सो तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और फिर से अगर कोई भी लेक्चर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए देखते रहिए स्टडी आईक्यू आईएएस स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल